गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फैंटास्टिक फ्राइडे की इस इवनिंग को आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है इस फैंटास्टिक फ्राइडे की इवनिंग में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं बेटा आपका होस्ट और दोस्त प्रोफेसर जेएस बत्रा, आपका प्यारा बत्रा सर, एजुकेटर फॉर सीए इंटरमीडिएट आईपीसीसी एंड फाइनल। पढ़ाता हूं बेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और सीए स्टूडेंट को पिछले लाइफ 31 साल और 62 सी एग्जाम अटेम्प्ट से कुछ समय बीता है बेटा इंडस्ट्री में मेरा। इस दौरान बत्रा सर ने पढ़ा दिया बेटा 200,000 से ज्यादा स्टूडेंट, 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक, 75 से ज्यादा रैंक तो बेटा पोजीशन 1, 2, 3 की है, जिन्होंने स्कोर किए 90 और 92 मार्क्स इस पेपर में। कौन कहता है इस पेपर में स्कोर नहीं होता है बेटा? अगर आपका मेंटर सही है, अगर वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, अगर बेटा उसने लंबा चौड़ा अनुभव निभाया है इस फील्ड में, अगर कहीं उसने प्रोसेस ऑटोमेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की है, कभी इंस्टीट्यूट के लिए पेपर बनाए, कभी बेटा उनको सॉल्व करवाया हो, इंस्टीट्यूट से कभी जुड़ा रहा हो, तो बेटा वो आपको जरूर इसमें मदद कर सकता है। वरना बेटा मैं देख रहा हूं देश भर में इस समय बेटा हाल बड़ा बेहाल है, बच्चे इस सब्जेक्ट में बड़े मुश्किल में बेटा चार्ट से पढ़ रहे हैं, 7-7, 8-8 किताबें हैं बेटा उनके पास में, समझ नहीं आता है बेटा एग्जाम के दिनों में करें क्या। ऑडिट के एग्जाम के बाद में समय रहता है 36 घंटे, 8 किताबें पढ़े हैं कि बेटा चार्ट से पढ़े हैं और फिर बेटा इसमें फेल हो जाया करता है। तो बेटा आपका मेंटोर सही होना चाहिए, ये पेपर स्कोरेबल है और ऐसा हमने अनअकैडमी पे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस भी किया है। ऐसा चैट बॉक्स में कई बच्चे बताएंगे भी अभी उनका नवंबर के साथ हमारा एक्सपीरियंस बेटा यही रहा। और पिछली बार तो बेटा बच्चों ने पढ़ते हुए एक पैरोडी भी बनाई थी बेटा, चार्ट पढ़ पढ़ जगमुआ, अरे भाई चार्ट पढ़ पढ़ जगमुआ पास हुआ न खोए, अरे चार्ट पढ़ पढ़ जगमुआ पास हुआ न खोए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी से जो पढ़े, आईसीआई के मॉड्यूल से जो पढ़े वही पास होए, वरना जनवरी भी जाए, मई भी जाए और नवंबर 2021 आए तो बेटा ये नहीं करना है, अपना मेंटोर सही चुनना है। इस दौरान बेटा हमारे पढ़ाए हुए 20,000 से ज्यादा बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, 800 से ज्यादा तो बत्रा सर के अपने शहर में बेटा नाम है जोधपुर, सीए की फैक्ट्री जो देती है बेटा नेशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज रिजल्ट बेटा, हम हमेशा नेशनल एवरेज से डबल रहते हैं बेटा जोधपुर में। कोटा है हमारी बेटा, कौन सी फैक्ट्री? आईआईटी की फैक्ट्री, जोधपुर है बेटा सीए की फैक्ट्री। तो वहां से आते हैं बेटा आपके बत्रा सर और इस लेगेसी का हिस्सा आप भी बनेंगे बेटा इस एग्जाम के बाद में। मैं पढ़ाता हूं पेपर 7 ईएसएसएम और आईटीएसएम ओल्ड कोर्स का पेपर बेटा, इसका इसका किसका बेटा। बत्रा सर है खेलने के शौकीन बेटा, बत्रा सर की जर्सी का नंबर है बत्रा 10, याद रखिएगा बेटा। सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलता हूं बेटा मैं सबसे आगे, और बेटा ये जर्सी देती है अनअकैडमी पे खुशियां, क्योंकि ये है खुशियों का खजाना। अनअकैडमी के किसी भी लर्निंग ऐप पर आप फ्री कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आजकल इनवाइट कोड मांगा जाता है, जहां बत्रा सर की जर्सी का नंबर डाल दें आपको सारे रिसोर्सेज फ्री मिलेंगे, चाहे बत्रा सर की क्लास हो, बियानी सर की क्लास हो, अंशुल सर की क्लास हो, श्रेय सर की क्लास हो, जय सर की क्लास हो, स्वाति मैम की क्लास हो, किसी की क्लास हो, फ्री मिलेंगी, फ्री फ्री फ्री। इसके अलावा अगर आप प्लस लेना चाहते हैं बेटा जो हमारे यहां सब्सक्रिप्शन मॉडल है, तो बेटा ये अनअकैडमी का मॉडल सब्सक्रिप्शन मॉडल है, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month बेटा। बत्रा 10 कोड लगाने से यहां मिलती है छूट, आप देख रहे बेटा जनवरी मई और 21 के लिए अब मैंने क्लासिफाई कर रखा है, अगर आप कोड लगाते हैं तो इसमें मिलती है बेटा 10% की छूट, आपको 10% की छूट मिला करती है बेटा। अच्छा एक नई चीज बेटा अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया जो आपको बताना जरूरी है बेटा, अब हमने 11 सीबीएसई 12 सीबीएसई कॉमर्स इसके साथ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का बेटा एक ग्रुप बनाया है, आप देख रहे हैं बेटा प्लस का एक बैच बनाया बेटा चार चीजों को मिक्स करके, 11th 12th फाउंडेशन इंटरमीडिएट, और बेटा ये सब भी मिलता है 12 और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में बेटा। बत्रा 10 कोड लगाइए और बेटा ये कोर्स पाइए 26,325 37,260 में, एक साल का बस का किराया भी स्कूलिंग में इससे ज्यादा है बेटा। हम आपको चार चीजें दे रहे हैं एक साथ, 11th 12th कॉमर्स बेटा, इसके साथ साथ हम दे रहे हैं बेटा आपको, इसके साथ साथ दे रहे हैं हम लोग फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, चारों मिल रही है बेटा आपको, चारों मिल रहा है 26,325 12 महीने में, 24 महीने में बेटा 37,000। इट इज नथिंग बेटा, न ये कॉस्ट मानता हूं न मैं इन्वेस्टमेंट मानता हूं, आपके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बेटा अनअकैडमी का, आपको अच्छे टीचर मिले हैं, प्लस में भी बेटा हम पढ़ाते हैं क्योंकि वो सेशन कुछ खास होता है,
प्लस का मतलब होता है हर चौथा सेशन डाउट सॉल्विंग, हर संडे के दिन क्विज, वर्चुअल लाइव टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस रिटर्न, बेटा बहुत कुछ अलग होता है वहां पे। तो प्लस में बेटा अगर स्कूल के लेवल से बच्चा आ जाएगा तो सोचो बेटा उसकी जर्नी क्या होगी। वी हैव वेरी गुड टीचर्स एट 11 12th लेवल ऑल्सो, फाउंडेशन में अंशुल सर आई जाते हैं बेटा, इंटरमीडिएट में श्रेय राठी सर और मेरी टीम आ जाती है बेटा आप सबको आगे ले जाने के लिए। सो यू कैन ऑलवेज कम ओवर देयर बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम। बत्रा सर का नया टाइम टेबल बेटा कल से क्या है, बत्रा सर का नया टाइम टेबल कल से सुन लो बेटा। मैं 9:45 से बेटा मिलूंगा आप सबको ऐप के ऊपर, मैं कल मिलने वाला हूं 9:45 से अनअकैडमी के लर्नर ऐप पर बेटा, प्लस में मिलूंगा मैं आपको जो हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है। 2:15 पे मैं नया चैनल बेटा अभी बताऊंगा आपको, नए चैनल के एड्रेस हमारी उस पर मिलने जा रहा हूं और कराऊंगा बेटा जनवरी 21 के बच्चों के लिए, मई 21 के बच्चों के लिए, नवंबर 21 के बच्चों के लिए बेटा ईआईएस के कंसेप्चुअल स्टडी। तो जनवरी वाले बच्चे जिनका ईआईएस थोड़ा बहुत रह गया बेटा कल से मेरे साथ जुड़ जाना 2:15 से 3:15, चैनल का एड्रेस मैं भी बता रहा हूं बेटा। 4:30 से मैं रोज अनअकैडमी के लर्नर ऐप पर लगातार पिछले 2 दिन से आईसीआई ने जो बुकलेट दी है बेटा उसको सॉल्व करवा रहा हूं, तो आप आ सकते हैं 4:30 से 6 उसमें सॉल्व कराई जाएगी। आज भी कराया था, हमारे लेक्चर देख सकते हैं। अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड कर लो, प्रोफेसर जेएस बत्रा को फॉलो कर लो बेटा, आपको हमारे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा शाम को कल क्लास नहीं है मेरी बेटा, वैसे मंडे से मैं शुरू कर दूंगा शाम को 7 बजे बेटा, शाम को 7 बजे जो ओल्ड चैनल है हमारा पुराना घर है, मतलब इस घर पे जहां पे आप मेरे को अभी मिल रहे हैं इसको हम पुराना घर बोलते हैं बेटा। इसमें हमारे सब्सक्राइबर बेस है 9.02 बेटा, तो 9.02 का सब्सक्राइबर बेस है, इस पे आप हमें मिलेंगे मंडे के दिन फिर से इसी समय बेटा 7 से 8। क्या करवाऊंगा बेटा मैं, आईसीआई की ईआईएस आईटी वाली बुकलेट कराऊंगा मैं। शाम को आप मुझे मिलोगे मंडे के दिन, जनवरी 21 के बच्चे, मई 21 के बच्चे, नवंबर 21 के बच्चे सब मिलो बेटा, आपको करवाऊंगा मैं आईसीआई की बुकलेट एमसीक्यू केस सिनारियो वाली, ईआईएस की और आईटी की, आईटी की आई नहीं है पर आईटी उसी में इंक्लूडेड है बेटा, आपको करवा दी जाएगी। मंडे को करवाएंगे। और बेटा कल आपको शाम को करवाएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की 4:30 से 6 ऐप के ऊपर बेटा, ठीक है। तो कुछ चीजें जो आपको जानकारी के तौर पे देनी है, यह बेटा अनअकैडमी का लर्नर ऐप जहां प्रोफेसर जेएस बत्रा को फॉलो कर सकते हैं, आपको जानकर खुशी होगी बेटा और आप बच्चों की वजह से ही है ये। बत्रा सर ने बेटा एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, अब आपके बत्रा सर रैंक कर रहे हैं बेटा 6th पोजीशन पे, 2 मिलियन वॉच मिनट, 633 पिछले बेटा महीने में पढ़ाए, 3K फॉलोवर और 241 हेड डेडिकेशन के साथ बेटा। तो थैंक यू इंडिया, ये सही मौका है बेटा आप सबको धन्यवाद करने का। और बेटा जो अनअकैडमी के लर्नर ऐप पर आप मुझसे जुड़ते हैं, पढ़ते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो बेटा 10 मिनट 30 मिनट 50 मिनट में जब हेड देते हैं वो हेड बेटा आपके सामने रही। सौजन्या टॉटवाड़े लिखती है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर फॉर मेकिंग एसएम सो इजी। और अंकित शर्मा लिखते हैं यू आर द बेस्ट टीचर द स्टूडेंट कैन एवर होप फॉर, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। थैंक यू इंडिया बेटा, आप बच्चे को प्यार देने के लिए आपने प्यार दिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। और ये चैनल बेटा ये हमारा पुराना चैनल है जिसपे आप हमसे अभी जुड़े हुए बेटा, इसका सब्सक्राइबर बेस हो चुका है बेटा 9.02, ये हमारी पुरानी एड्रेस है, बड़े घर के एड्रेस में अभी आपको देने जा रहा हूं। जैसे जैसे मेंबर जुड़ते हैं साइज बड़ी होती है तो बेटा घर भी छोटा पड़ने लगता है, तो बेटा हमने बड़ा घर ले लिया है उसमें 26,100 सब्सक्राइबर है, मैं अभी आपको उसकी एड्रेस भी देने जा रहा हूं बेटा। ये है बेटा एवरग्रीन बत्रा सर की स्ट्रैटेजी बेटा, ये है एवरग्रीन बत्रा सर की स्ट्रैटेजी जिसमें बेटा आपको पास से एग्जम्पशन और एग्जम्पशन से रैंक पे जाने का मौका मिलता है। तो बेटा इस स्ट्रैटेजी में क्या है मैं बता दूं बेटा, अगर आप फ्लोचार्ट करना चाहते हैं बेटा तो आपको अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर पुराने चैनल पर मिल जाएगा बेटा। 18 और 25 अक्टूबर के मेरे मैराथन है 2, इसमें से 6 नंबर का सवाल अगर आया तो, पिछली बार नहीं आया है, अगर आया तो यहां से मिलेगा बेटा, तो करके जाना चाहिए। कोर्स में तो है, आएगा नहीं आएगा नहीं कह सकते पर करके जाना चाहिए। केस स्टडी आपको करनी है तो बेटा लर्नर ऐप पर, जो अनअकैडमी का लर्नर ऐप है उसको डाउनलोड करने पर मिलेगी बेटा। बत्रा सर की मैं स्पेशल क्लासेस पढ़ी है 8 जुलाई से लेके और 29 नवंबर तक बेटा, 22 क्लासेस है टोटल, और अभी मैंने 21 दिसंबर से लेके और 25 बेटा जनवरी तक फिर से जाना है, कुछ और क्लासेस मिल जाएंगी इनको कर डालो, आपकी लाइफ हो जाएगी झींगा लाला बेटा, 25 नंबर आप यहां से स्कोर कर लेंगे बेटा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा का पूरा मैंने इसी चैनल पर 1 दिसंबर से लेके बेटा और आज ही खत्म किया बेटा, आज सुबह ही खत्म किया है, तो 1 दिसंबर से लेके और बेटा 8 जनवरी तक
अगर आप हमारी सारी क्लासेस देख डालेंगे तो 30 मार्क्स आराम से स्कोर कर लेंगे बेटा। और ईएएस और आईटी के पोर्शन के लिए आपको ऐप पर आना होगा। इसमें हमने बेटा 30-29 से 30 मार्क्स के सवाल करवा दिए बेटा। कब से करवाए सर? ये भी कराया बेटा 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक सारे लेक्चर्स पढ़े बेटा। अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करो, प्रोफेसर जीएस बत्रा को फॉलो करो, स्पेशल क्लास में चले जाओ, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, फ्री हैं, फ्री हैं, फ्री हैं। और साथ साथ में बेटा मैं एक लिंक भी शेयर कर देता हूं इसी ग्रुप के अंदर बेटा, आप सबको ये लिंक मिल जाएगा जिसमें मेरी सारी क्लासेस आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगी। लो बेटा मैंने लिंक शेयर कर दिया आप सब बच्चों के लिए, अनअकैडमी की तरफ से, बत्रा सर की तरफ से न्यू ईयर का गिफ्ट है बेटा। सारी क्लासेस यूट्यूब की, सारी क्लासेस बेटा स्पेशल क्लासेस की जो मैंने पढ़ाई है बेटा, फ्री कंटेंट के तौर पे आपको अवेलेबल है। लिंक दिए हुए हैं, क्लिक करिए और बेटा अपनी पढ़ाई को आसान करिए। इट इज ए न्यू ईयर गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव कम टू दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम बेटा। तो आप सबके लिए गिफ्ट है बत्रा सर की तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से। इस पूरे के पूरे बेटा आप लेटेस्ट अपडेटेड लिंक को यूज करिए और अपनी पढ़ाई को आसान करिए। हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले लेक्चर्स में बिलीव करते हैं बेटा। बत्रा सर ने पिछले 31-32 सालों में ये किया है, अब तो बेटा 32वां साल शुरू हो गया 2021। बत्रा सर के लिए बेटा 32वां साल है। आपका जनवरी का एग्जाम मेरे लिए 63 अटेम्प्ट होगा बेटा, मई का अटेम्प्ट 64 होगा, नवंबर का अटेम्प्ट 65 होगा बेटा। तो 32 साल और अब 63, 64, 65वां अटेम्प्ट भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बेटा आप बच्चों के साथ हमने करना है। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो बेटा इट इज गोइंग टू मेक यू हेल्प, आपको बेटा फायदा होगा इससे, आप सभी को फायदा होने जा रहा है बेटा, फायदा होने जा रहा है। ये है बेटा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। दीज आर द बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने 20 लेक्चर में करवा दिया बेटा, ओल्ड कोर्स आईटीएसएम के लिए भी, न्यू कोर्स ईएसएसएम के लिए भी बेटा। इनको खींच डालो बेटा, खींच मेरा फोटो कर डालो, इसमें आपको बेटा 39 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेटा। और अगर आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कर रहे हो बेटा, सब्सक्राइब करें इसे और इस वीडियो को लाइक करें बेटा, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही आज हमने 11 जुलाई को इस चैनल की नींव रखी थी, 0 सब्सक्राइबर बेस था। आप बच्चों ने प्यार देते हुए से 9000 बच्चों का परिवार बना दिया है, थैंक यू इंडिया बेटा। और 26 जनवरी को मुझे पूरा विश्वास है बेटा हम 10000 बच्चों का परिवार बन जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो बेटा सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार की वजह से वी आर ग्रोइंग जस्ट लाइक एनीथिंग बेटा। पिछले महीने में 2 तारीख को 6000 थे, 18 तारीख को 7000 हुए, 23 तारीख को बेटा 8000 हुए और आज बेटा हम लोग 9000 हो चुके हैं, 26 जनवरी को 10000 होंगे बेटा। फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ अनअकैडमी बन गया बेटा आपका और हमारा, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का बेटा ये पुराना घर सबसे तेजी गति से बढ़ता हुआ चैनल बन चुका है बेटा, सबसे तेज गति से बनता हुआ चैनल बन चुका है। और क्या बताना है मेरे को, ये बेटा हमने एक संजीवनी बूटी बैच लिया था बेटा, किसके लिए बेटा, ऑप्ट आउट जनवरी 2021 के बच्चों के लिए। 11 दिसंबर से क्लासेस शुरू की थी बेटा, 7 जनवरी तक हमने पढ़ाया, इसमें ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द एंटायर कोर्स कराया। पूरी ग्रुप 2 की टीम बत्रा सर लाए थे बेटा, बत्रा सर है आपके ग्रुप 2 के लीडर, सारी टीम को लेके आए थे और पढ़ाया बेटा। मैं रोज पढ़ाता था इसमें 4:30 से 6, सारे लेक्चर अवेलेबल है, लिंक मैंने दे रखा है बेटा, कर डालिए आपकी जिंदगी बन जाएगी, फ्री 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 है बेटा, कोई चार्जेस नहीं लग रहे आपके लिए। ये है बेटा हमारा प्लस का बैच जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लगता है। अगर कोई बच्चा और एडिशनल बेटा मेहनत चाहता है बेटा, उसके आ जाए एग्जम्पशन, उसके आ जाए रैंक, पास होने की हो जाए गारंटी, तो बेटा ये प्लस का बैच है जो चलता है मॉर्निंग 7:30 to 2:45, डेडिकेटेड बैच फॉर प्लस स्टूडेंट बेटा ओवर हियर। और एक खास बात जो बेटा प्लस पे ही मिला करती है वो है बेटा हर बच्चे की इंडिविजुअल वर्चुअल लाइव टेस्ट सीरीज। इसमें क्या करते हैं, बत्रा सर अपनी तरफ से सवाल देते हैं, आप बच्चे उसको करके मुझे भेजते हैं, ये सब कुछ उसी क्लास में लाइव होता है बेटा, और उसके बाद हम चेक करके आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ होता है बेटा इस वर्चुअल लाइव टेस्ट सीरीज में। बात आई क्या सबको समझ में? बोलो जी बात आई क्या सबको समझ में? बोलो जी बात आई क्या सबको समझ में? बोलो जी बात आई क्या सबको समझ में? फटाफट बता दो जी, सब तो बता दो, बता दो, बता दो, क्या सबको समझ में आ गई बात? चलिए बेटा आपको चैनल भी बता देता हूं मैं, नए और पुराने चैनल के एड्रेसेस बता देता हूं बेटा। तो ये है बेटा अनअकैडमी का लर्नर ऐप, ये है बेटा आपका अनअकैडमी का लर्नर ऐप, आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा,
Currently, Batra sir is ranking at 6th position. 2 million watch minute, 6637, 3K follower and 245. Search button पे जाएंगे बेटा. Unacademy का learner app download करेंगे. Search button दबाएंगे. Professor J.S. Batra को follow करेंगे. Follow का button दबाएंगे बेटा. ये दबाते ही बेटा आपको Professor J.S. Batra से जुड़ने का मौका मिल जाएगा. Scroll करेंगे बेटा. Scroll करेंगे ये हमारे plus के batches आ जाते हैं बेटा. उसके नीचे जाएंगे तो special classes आ जाती है. Special classes में see all कर देना बेटा. सी ऑल करते ही आपको सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी बेटा. यहां पे सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट चुना होना चाहिए. इस वाले बटन में बेटा स्पेशल क्लास चुना होना चाहिए. प्लस और बैचेज मत चुनना, ये केवल सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों के लिए बेटा, आपके लिए नहीं है. ये फ्री में नहीं आते रिसोर्सेज. फ्री रिसोर्सेज है केवल स्पेशल क्लास. इसको देख डालो बेटा. ये पड़ी संजीवनी बूटी बैच बेटा, लगातार करवाया मैंने. आज ही कराया बेटा. देखो केस सिनारियो मैंने करा दिया बेटा. केस सिनारियो मैंने करवा दिया. देखो आज की क्लास में मैंने बेटा केस सिनारियो कराया आईसीआई के बुकलेट से. देखिए जरा बेटा, आज का ये सेशन आपको फ्री एक्सेस मिलेगा बेटा. कोई चार्जेस नहीं है इसके. कोई चार्जेस नहीं है. कोई चार्जेस नहीं है. कोई चार्जेस नहीं है. जवाब देंगे हमें सारे लोग, जवाब देंगे. ये देखो बेटा, आज करीब करीब 88 बच्चे थे बेटा उस क्लास में और हम लोग कर रहे थे इस सवालों को. बच्चे आए जा रहे थे बेटा. देर वाज़ ए फ्लो ऑफ बेटा बच्चा. लगातार बच्चे चल रहे थे बेटा. लगातार बच्चे चल रहे थे. ठीक है. चलो 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 बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आपको एक चीज और बता देते हैं. ठीक है. ये है बेटा, ये है हमारा पुराना चैनल. ये हमारा पुराना चैनल अन अकेडमी सीए इंटरमीडिएट. ठीक है. इसके बेटा सब्सक्राइबर है 9.01. ठीक है. ये हमारा पुराना घर है. इस पे भी क्लासेस मिलेंगी आपको. इस पे मैं कराऊंगा बेटा आईसीआई की बुकलेट ऑफ ईआईएस आईटी. मैं कराऊंगा मंडे से. इस पे मंडे को कराऊंगा बेटा. मैं इस पे मंडे को मिलूंगा मैं आपको. और ये जो नया बड़ा घर है बेटा, ये जो नया बड़ा घर है बेटा हमारा सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, इसके सब्सक्राइबर बेस है बेटा 26.1. यहां पे बेटा मैं आपको कराऊंगा ईआईएस की कंसेप्चुअल स्टडी कल से ही. कल 2:15 से 3 बजे तक 45 मिनट का एक शॉर्ट स्वीट क्रिस्प सेशन होगा मेरा. चैप्टर नंबर 3 न्यू कोर्स, चैप्टर नंबर 2 ओल्ड कोर्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड फंडामेंटल, कंप्यूटर सिस्टम एंड कंपोनेंट. कल बेटा मैं करवाने जा रहा हूं 2:15 से लेकर 3 बजे तक. 2:15 से लेकर 3 बजे तक. आ गई बेटा बात समझ में सबको. चलिए शुरू करते बेटा इंपॉर्टेंट सीरीज जिसके लिए आप आए हैं बेटा, जिसके लिए आप सब लोग आए हैं, जिसके लिए आप सब लोग आए हैं. चलिए शुरू करते बेटा. 52 पीपल आर लाइव, 44 केवल लाइक दिए बेटा. बड़ी नाइंसाफी है. फटाफट से जो लोग आए हैं अपना बेटा आपने लाइक करना है. फटाफट से लाइक कर दें. बाकी जो बच गए हैं वो जल्दी से लाइक कर दे बेटा. इसको जल्दी से लाइक कर दे. जल्दी से लाइक कर दे. जल्दी से लाइक कर दे बेटा. जल्दी से लाइक कर दे इसको. ये इसके बाद भी अवेलेबल होगा बेटा. सभी को गुड इवनिंग. सभी को गुड इवनिंग. सभी को गुड इवनिंग बेटा. सभी को गुड इवनिंग. सभी को गुड इवनिंग. सभी को गुड इवनिंग. फटाफट से लाइक कर दो बेटा. 52 आर लाइव नाउ बट ओनली 45 लाइक्स आर देयर. जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं उतना लाइक तो बनता है बेटा. आप चला के आए हैं. ठीक है. किसी ने आपको बेटा प्रेशराइज करके तो नहीं भेजा है ना. तो जब आप अपनी मर्जी से आए बेटा तो आपको लाइक देना बनता है. ज्ञान के मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजती है बेटा. है ना. जैसे मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजा के जाते हैं. ये बेटा ज्ञान का मंदिर है आपका. घंटी बजाए और प्रवेश पाए बेटा. ठीक है. चलो आ जाओ बेटा. शुरू करते आ जाओ बेटा. शुरू करते. अब मैं पहले ले रहा हूं बेटा ईआईएस, फिर मैं ले लूंगा आईटी. ठीक है. और एसएम बेटा इसी तरीके से ले लेंगे. चलिए बेटा शुरू करते हैं. चलिए शुरू करते हैं ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस से बेटा. ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस से. अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, पिछला वाला पेपर सबको पता है क्या? पिछला वाला पेपर सबको पता है क्या? फटाफट बताओ बेटा. पिछला वाला पेपर पता है सबको? मैं क्विकली एक बार पिछला पेपर बता देता हूं. उन क्वेश्चंस को छोड़ के अपन करेंगे बेटा. आओ पिछला पेपर बता देता हूं मैं क्विकली आपको. पिछला पेपर बता देता हूं नवंबर का और फिर हम चलते हैं बेटा आगे. ठीक है. एक बार देख लेते हैं पिछला नवंबर 20 का पेपर बेटा. ये रहा ईएसएसएम का पेपर. फटाफट से देख लो बेटा. फटाफट से देख लो. अगले 2 मिनटों में फिर शुरू करते बेटा इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी. ये रहा बेटा. ये रहा आपका पेपर. दिस इज द पेपर. देख लो बेटा. पहला सवाल था डेटा एनालिटिक्स पे. पहला सवाल किस पे बेटा? डेटा एनालिटिक्स पे सवाल है. ठीक है.
डेटा एनालिटिक्स पे सवाल पूछा हुआ है चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। दूसरा सवाल है मॉर्गेज लोन बैंकिंग सिस्टम में चैप्टर 5 से, तो ये है बेटा मॉर्गेज लोन मतलब चैप्टर 2 बैंकिंग सिस्टम, और ये है बेटा डेटा एनालिटिक्स पे सवाल हमारे, तीन एप्लीकेशन। उसके बाद अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल है अपडेट कंट्रोल और रिपोर्ट कंट्रोल। तो अपडेट कंट्रोल और रिपोर्ट कंट्रोल बेटा किसका है, डेटाबेस कंट्रोल के पार्ट है, डेटाबेस कंट्रोल है ना, मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर हमने पढ़े थे। उसके बाद बेटा रिस्क एपिटाइट स्ट्रेटजी में चार रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, चार रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, पांच की होते हैं उसमें से चार पूछ लिए बेटा। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी चैप्टर 2 से बेटा। उसके बाद पूछे गए हैं चार कंस्ट्रेंट ग्रिड एनवायरमेंट के कंस्ट्रेंट चैप्टर नंबर 4 से बेटा। उसके बाद देखें आपका सवाल आया हुआ बेटा चैप्टर नंबर 5 से, 6 कॉमन आईटी रिलेटेड रिस्क इन सीबीएस, 6 कॉमन आईटी रिलेटेड रिस्क इन सीबीएस पूछा हुआ बेटा। उसके बाद चार करेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइवेट क्लाउड पूछी हुई है, प्राइवेट क्लाउड आ गया तो अब बाकी करेंगे बेटा अपन। उसके बाद एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के 6 कंपोनेंट आए हैं चैप्टर 1 से। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल पीडीसी प्राइवेट प्रिवेंटिव डिटेक्टिव करेक्टिव जो है उसके सवाल आए हैं बेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम की चार एक्टिविटीज आई हुई हैं और क्रिप्टोग्राफी आया हुआ बेटा, क्रिप्टोग्राफी आया हुआ है। तो ये सवाल है बेटा जो पिछली बार पूछे हुए हैं, ये सवाल है जो पिछले बार पूछे हुए हैं, ये सवाल है बेटा जो पिछली बार पूछे हुए हैं, ये सवाल है जो पिछली बार पूछे हुए बेटा। जरा देखें जरा इस बात को बेटा, फिर से क्रिप्टोग्राफी पे सवाल आ गया बेटा, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी पे आ गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल पीडीसी पे आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद 6 कंपोनेंट ऑफ ईआरएम पे आ गया, पब्लिक क्लाउड पे आ गया, आईटी रिलेटेड रिस्क पे आ गया सीबीएस में, इसके अलावा बेटा कंस्ट्रेंट ऑफ ऑन ग्रिड एनवायरमेंट आ गया, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी पे आ गया, चार रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पे आ गया, डेटाबेस कंट्रोल पे आ गया बेटा, डेटाबेस के अंदर अपडेट और रिपोर्ट कंट्रोल पे आ गया, मॉर्गेज लोन पे आ गया, डेटा एनालिटिक्स पे आ गया। बस इस बात को बेटा ध्यान में रखते हुए अब बेटा अपने आप को करना है, चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपन अब शुरू कर रहे हैं बेटा, अपन अब शुरू कर रहे हैं, नोट करना शुरू करें। चलिए 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 चैप्टर 1 ईआईएस, चैप्टर 1 ईआईएस बेटा आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, आ जाओ आपके सामने करते बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करें बेटा, नोट करें। कलर मैं ले लूं बेटा, कलर ले लेता हूं रेड, कलर ले रहा हूं बेटा मैं रेड, कलर ले रहा हूं मैं रेड, ठीक है। लिखो बेटा जनवरी 21 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जनवरी 21 क्या है बेटा, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस लिखो बेटा। ये ऑसम ऑपरेशनल सपोर्टिंग मैनेजमेंट, ये करके जाएंगे बेटा, ये करके जाएंगे अपन, ठीक है। ओल्ड सिलेबस वाले थोड़े रुको बेटा, पहले न्यू सिलेबस का बताऊंगा फिर ओल्ड का बताऊंगा, आपको रुकना पड़ेगा श्याम राजपूत, अभी पहले न्यू सिलेबस का होगा फिर ओल्ड का होगा बेटा, आपको रुकना पड़ेगा। चलो ये हो गया बेटा, कैटेगरीज करेंगे अपन, ऑसम 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 कैटेगरी कर लो बेटा, कैटेगरी कर लो, कैटेगरी कर लो, फैक्टर्स कर लो बेटा, फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स भी कर लो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, 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 ठीक है आगे बढ़ते बेटा। बेनिफिट्स 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 भी कर लें, बेनिफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बेनिफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कर लें, ठीक है, बेनिफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लें। अच्छा बीपीए की टेबल कर लें बेटा जनवरी 21 के लिए, कर लें, ठीक है, हाँ कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, ठीक है, बीपीए की टेबल कर ली अपन ने। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बेटा आगे बढ़ो, ठीक है। टाइप ऑफ रिस्क पिछली बार आ गई बेटा, टाइप ऑफ रिस्क ये बिजनेस रिस्क आ सकती है बेटा, बिजनेस रिस्क आ सकती है, तो केवल बिजनेस रिस्क कर ले बेटा, बिजनेस रिस्क कर ले, केवल बिजनेस रिस्क कर ले जनवरी के लिए। बिजनेस होती है रिस्क हमारी, टेक्नोलॉजिकल होती है, डेटा होती है, हमें केवल बिजनेस रिस्क करनी है बेटा, बिजनेस रिस्क करनी है बेटा। ईएसएसएम दोनों बताएंगे, आईटीएसएम दोनों बताएंगे बेटा, बिजनेस रिस्क कर दो आप, बिजनेस रिस्क कर लो, चलो बिजनेस रिस्क कर दो। अच्छा ये ना पिछली बार आ गया बेटा, अच्छा ये टर्म्स 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 कर लो, टर्म्स कर लो, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स कर लो बेटा, ये अमेंडमेंट हुआ ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, अमेंडमेंट हुआ ये कर लो बेटा, ये कर लो, ठीक है। ये डायग्राम समझना है केवल, हमें डायग्राम केवल समझना है, ये नहीं करना। ये सवाल आ गया बेटा आपका नवंबर 20 में आ गया, ये आ गया नवंबर 20 में, ये नहीं करना, ये नहीं करना बेटा, ये नहीं करना है हमने, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है हमने,
ये नहीं करना है। अच्छा ये करना है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल करना है हमारे जनवरी 21 के लिए, ये करना है बेटा हमें, ये करना है हमें, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है हमें, ठीक है। अच्छा पांच कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये भी कर ले बेटा, पांच कंपोनेंट भी कर ले इंटरनल कंट्रोल के बेटा, पांच कंपोनेंट भी कर ले इंटरनल कंट्रोल के, ठीक है ठीक है ठीक है। लिमिटेशन भी कर ले, लिमिटेशन भी कर ले बेटा, लिमिटेशन भी कर ले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। ये फ्रेमवर्क पे पिछली बार सवाल आ गया, फ्रेमवर्क पे सवाल आ गया, ये नहीं करना बेटा, फ्रेमवर्क पे सवाल आ गया ये नहीं करना अपने को, फ्रेमवर्क पे सवाल आ गया ये नहीं करना। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में बेटा फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब पिछली बार तो नहीं पूछा गया था, पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, तो मैं बेटा इसको इंपॉर्टेंट तो मार्क नहीं कर रहा, पर मैं चाहूंगा आप एक बार हमारे 18 और 25 अक्टूबर के सवालों को कर लो बेटा, पता नहीं आई जाए बेटा, मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहा, पर मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर करके जाएं, कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवा रहा इसको, ठीक है। मैं नहीं करवा रहा बेटा इसको, मैं नहीं करवा रहा, आगे बढ़ते बेटा, मैं नहीं करवा रहा इसको, मैं नहीं करवा रहा इसको, मैं इसको नहीं करवा रहा इंपॉर्टेंट, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवा रहा, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा रहा, ठीक है। अब स्पेसिफिक कंट्रोल फॉर बिजनेस पर्पस, बेटा ये तो करना है हमारे को जनवरी 2021 के लिए। मैंने बेटा मास्टर और ट्रांजेक्शन कंट्रोल के पीडीएफ दे रखे हैं आपको, मास्टर और ट्रांजेक्शन के, मास्टर और ट्रांजेक्शन के पीडीएफ दे रखे हैं आपको, वो कर लेना बेटा। छह प्रोसेसेस हैं, कोई भी आ सकता है, छह प्रोसेसेस हैं, कोई भी आ सकता है बेटा, ये कर लेना, ये आपको दो पेज में हो जाएगा, 17 पेज है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, बत्रा सर ने उनको दो पेजेस में कराया है, याद है ना बेटा सबको, याद है ना सबको, याद है ना सबको, दो पेजेस में कराया है भाई, याद है सबको, करके जाना है बेटा। अच्छा करके जाना है आपको, करके जाना है, करके जाना है, ठीक है, करके जाना है बेटा। अच्छा ये करके जाना बेटा, गाइडेंस नोट करके जाना है इस बार, गाइडेंस नोट जरूर करके जाना है जनवरी 2021 में, इसके आने की संभावना बेटा, गाइडेंस नोट आ सकता है, गाइडेंस नोट पे सवाल आ सकता है। आईटी एक्ट में कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस करेंगे बेटा अपन जनवरी 21 में, ठीक है, करेंगे बेटा, ये जरूर करके जाएंगे अपन, इसके आने की संभावना है, इसके आने की संभावना है बेटा, इसके आने की संभावना है। और उसके बाद एसपीडीआई सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन एक्ट, ये भी करेंगे बेटा, ये भी करेंगे हम लोग जनवरी 21 में, ये भी आ सकता है जनवरी 21 में, ये भी आ सकता है बेटा, ठीक है। चैप्टर वन फिनिश, चैप्टर वन फिनिश, चैप्टर वन फिनिश हो गया बेटा, चैप्टर वन फिनिश हो चुका है, चैप्टर वन फिनिश हो चुका है बेटा। आ जाओ चैप्टर दो देखते हैं, चैप्टर दो देखते हैं बेटा, आ जाओ चैप्टर नंबर दो देखते हैं, आ जाओ चैप्टर नंबर दो देखते बेटा, चैप्टर एक हो चुका है, चैप्टर एक हो चुका है, अब हम चैप्टर दो देखेंगे बेटा, चैप्टर नंबर दो देखेंगे अब हम लोग, अब आपको चैप्टर नंबर दो दिखा देते बेटा, फटाफट से चैप्टर दो दिखा देते आपको, फटाफट से चैप्टर दो दिखा देते आपको, जल्दी से चैप्टर दो दिखा देते, आ जाओ आ जाओ, चैप्टर दो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। चलो बेटा मार्क करना शुरू करें, चैप्टर नंबर दो आ जाओ, पहले मार्क करना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर दो को बेटा, चलो बेटा मार्क करना शुरू करते हैं अपन, मार्क करना शुरू करते हैं, आ जाओ मार्क करना शुरू करते हैं अपन, क्या आएगा इससे, आ जाओ बेटा, ये करेंगे बेटा अपन। मास्टर डेटा कितने प्रकार के होते हैं, मास्टर डेटा कितने प्रकार के होते हैं जनवरी के लिए करेंगे बेटा, मास्टर डेटा कितने प्रकार के होते हैं जनवरी के लिए करेंगे अपन, मास्टर डेटा कितने प्रकार के होते हैं जनवरी के लिए करेंगे। वाउचर के टाइप्स कितने होते हैं बेटा जनवरी के लिए करेंगे, वाउचर के टाइप्स कितने होते हैं जनवरी के लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अकाउंटिंग फ्लो भी पूछा जा सकता है, अकाउंटिंग फ्लो भी पूछा जा सकता है, करेंगे बेटा इसको भी करेंगे अपन, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बेटा। अच्छा फ्रंट एंड और बैक एंड सेपरेट होते हैं ये भी करेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड सेपरेट सेपरेट होते हैं ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इंस्टीट्यूट ने अमेंड किया है इसलिए इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड एप्लीकेशन जनवरी 21 के लिए तैयार करें बेटा। खास तौर से क्लाउड एप्लीकेशन पे क्या होता है ये अलग से हिस्सा है बेटा, इसको तैयार करना है अपने को, खास तौर से इसको तैयार करना है अपने को। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
बेनिफिट आ गया बेटा, पिछली बार बेनिफिट मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ये आ गया है नवंबर 20 में, तो इसको नहीं करना बेटा, बेनिफिट नहीं करेंगे अपन, बेनिफिट आ गया सवाल, बेनिफिट आ गया सवाल, बेनिफिट आ गया सवाल, बेनिफिट आ गया, बेनिफिट आ चुका है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आता है बेटा रिस्क एंड कंट्रोल इन ईआरपी। करें बेटा इसको, इसको करें हम जनवरी के लिए, जनवरी 21 के लिए तैयार करें बेटा, रिस्क एंड कंट्रोल इन ईआरपी एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बेटा अमेंड हुआ है, आपको ध्यान हो तो पांच अलग अलग है बेटा टेबल, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी अदर इंप्लीमेंटेशन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन बेटा, इसको 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 बेटा इसको इसको करें, इसको करें, ठीक है, करें बेटा इसको करें, करें बेटा इसको करें, बिल्कुल करें, ये इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आ रहा है बेटा, याद करोगे ये मैंने आपको पांच करवाए थे, इनमें से एक सवाल पांच नंबर के लिए जरूर आएगा बेटा, करके जाए इसको, ठीक है, करके जाए बेटा इसको, करके जाए, करके जाए, करके जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या आएगा, आगे और क्या आएगा, ये बेटा बीच से एक सवाल उठ सकता है, क्वेश्चंस ऑडिटर शुड आस्क ड्यूरिंग द ईडीपी ऑडिट, ये बेटा करके जाए, सात आठ सवाल है, कोई छह सवाल आप कर लेना बेटा, जनवरी 21 के लिए इसको करेंगे बेटा, जनवरी 21 के लिए हम सब लोग इसको करेंगे, ये आ सकता है बेटा बीच से, ये बीच से सवाल है, आ सकता है, आ सकता है, उसके बाद बेटा ये एक सवाल है 4 to 6 मार्क्स का आपका आ सकता है बेटा, ये आ सकता है जनवरी 21 के लिए, ये आ सकता है जनवरी 21 के लिए बेटा, जनवरी 21 के लिए आ सकता है आपको ईआरपी के बिजनेस मॉड्यूल, ईआरपी के बिजनेस मॉड्यूल बेटा अपने को करके जाने हैं, कौन से करने हैं वो मैं बता देता हूं, कौन से करने हैं वो मैं बता देता हूं, कौन से करने बेटा वो मैं बता देता हूं, कौन से करने हैं वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, टोटल 11 मॉड्यूल है बेटा, टोटल 11 मॉड्यूल है, हमें इसमें से कुछ ही करने हैं, हमें इसमें से कुछ ही करने हैं, सारे नहीं करने बेटा, सारे नहीं करने हमें, हमें इसमें से कुछ ही करने, हमें इसमें से कुछ ही करने, चलो नोट करो बेटा, नोट करो कौन से करने हैं आपको, नोट करें बेटा कौन से करने हैं आपको, नोट करें कौन से करने हैं, सब नहीं करने बेटा, सब नहीं करने हैं, मैं जो बता रहा हूं बेटा वो करके जाएंगे आप, मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूं बेटा उनको, मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूं, आप करें बेटा, एचआर कर लेना, एचआर कर लेना बेटा, मटेरियल मैनेजमेंट कर लेना, ठीक है, प्लांट मेंटेनेंस कर लेना, ठीक है, सीआरएम कर लेना, सप्लाई चेन कर लेना बेटा, बस ये कर लेना, इसमें से कौन कौन से हो गए बेटा, एचआर हो गया, एचआर कर लेना, मटेरियल मैनेजमेंट कर लेना, प्लांट मेंटेनेंस कर लेना, सप्लाई चेन कर लेना बेटा, ठीक है, सप्लाई चेन कर लेना, ठीक है, और सीआरएम कर लेना, ये सब आपको करना है बेटा, ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको, आज सबको समझ में आ रही है बेटा, ये कर लेना है आपको, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये करना है आपको, ये करके जाना है, इनमें से कोई एक सवाल 4 से 6 नंबर का आप देख लोगे बेटा, ये हुआ हमारा ईआरपी का पोर्शन, अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ईआरपी के बाद अगले हिस्से पे चलते हैं बेटा, अगले हिस्से पे चलते हैं हम लोग, अगले हिस्से पे चलते हैं, डेटा एनालिटिक्स पे पिछली बार सवाल आ गया बेटा, डेटा एनालिटिक्स पे सवाल आ चुका है, तो आप इस बार तैयार करेंगे बेटा, डेटा एनालिटिक्स पे सवाल आ गया, इस बार आप तैयार करें बिजनेस इंटेलिजेंस को, डेटा एनालिटिक्स पे सवाल आ गया बेटा, नवंबर 20 में डेटा एनालिटिक्स पे सवाल आ गया, ये आपको तैयार नहीं करना है, हम तैयार करेंगे एक तो बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस और एक्सबीआरएल बेटा, दो तैयार करेंगे, तो लिखो बेटा जनवरी 21 के लिए एक तो तैयार करेंगे बेटा अपन बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई, ठीक है, खास तौर से इसके बेनिफिट, मुझे लग रहा है ये सवाल तो आ ही गया बेटा, ये सवाल तो आ गया, पेपर खोलते ही मिलेगा बेटा, ये पेपर खोलते ही मिलेगा, रीजंस reasons why we do business intelligence, हम business intelligence क्यों करते हैं, ये सवाल तो खोलते ही मिलने वाला बेटा, ये सवाल तो खोलते ही मिलेगा, ये करना बेटा अपने को, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बेटा क्या करना है, XBRL, मैंने एक वीडियो भी भेजा हुआ बेटा इसको समझाने के लिए, है ना, टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो ऑफिशियल है अनअकैडमी का, ये जरूर करना बेटा, XBRL पे भी सवाल आ सकता है, करके जाना बेटा, चैप्टर 2 कंप्लीट, चलो बेटा चैप्टर 3 पर चलेंगे, अजी चैप्टर 3 पर चलेंगे, चलो आ जाओ, चैप्टर 3 पर चलेंगे, आ जाओ, चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट बेटा, आ जाओ, क्या आने वाला है मैं बताता हूं बेटा, आ जाओ मैं स्पेसिफिकली बताता हूं बेटा क्या आएगा, आ जाओ मैं बताऊंगा क्या आएगा बेटा, हमें तैयार करना है स्पेसिफिकली डेटा स्टोरेज बेटा, जनवरी 2021 के लिए डेटा स्टोरेज का पूरा क्लासिफिकेशन अपने को समझना है बेटा,
है ना, मतलब इंटरनल मेमोरी, प्रोसेसर, रजिस्टर, रैम, रोम, है ना, इनमें से कोई सवाल बेटा हम पाएंगे, इनमें से कोई सवाल पाएंगे अपन, तो ये तैयार करना है बेटा अपने को, ये तैयार करना है हमारे को। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेटा ये पूछ ले गए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज पूछ ली गई हमसे नवंबर में, तो ये नहीं तैयार करना, ये बेटा आ चुका है, ये नहीं तैयार करना हमने, ये तैयार नहीं करना है हमने। अरे ये तैयार नहीं करना है भाई हमने, तो सर और क्या तैयार करें हम लोग बेटा? ये प्रोमिनेंट डेटाबेस चार तैयार कर लो जनवरी 21 के लिए बेटा। सर कौन से चार तैयार कर लें? अरे बेटा ये तैयार कर लो ना चार, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बेटा आपको डिटेल में पढ़ाया बेटा, ये सारे लेक्चर्स हमारे अवेलेबल है, याद हो रहा होगा बेटा सबको, ये मैंने करवाए हैं आपको, चार तरीके के, हायरार्किकल, प्रोमिनेंट डेटाबेस मॉडल, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आई बात समझ में बेटा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा यहां पे ना खास तौर से ये और करना है हमें, बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस जरूर करेंगे बेटा। ये आएगा माइनिंग 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 माइनिंग, डेटा माइनिंग के स्टेप्स भी कर लो बेटा। डेटा वेयर हाउस या डेटा माइनिंग में से एक चीज जरूर देखेंगे अपन, दोनों में से कोई एक चीज आएगी, आइदर ऑफ देम कैन बी आस्क्ड, आइदर ऑफ देम कैन बी आस्क्ड। अच्छा ये एक और करना है, बेसिक इश्यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेटा, जनवरी 21 में करना है बेटा कंप्यूटर नेटवर्क इश्यूज, ठीक है ये करना है अपने को। चलो 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 आगे बढ़ते बेटा, आ जाओ बेटा, ठीक है आ जाओ बेटा। क्या करना है और देख लो, इसके बाद आता है कंट्रोल का पोर्शन, इसके बाद आ जाता है कंट्रोल का पोर्शन बेटा, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज एंड ऑडिट फंक्शन बेटा, ये अपने को करके जाना है, ठीक है ये अपने को करके जाना है। लेकिन मैं खास तौर से कहूंगा बेटा, इसमें खास तौर से एक तो एप्लीकेशन कंट्रोल करो बेटा, फिर कोई ना कोई आएगा, जैसे पिछली बार डेटाबेस आ गया था, कोई ना कोई बेटा इसमें से आएगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है इस बार इन तीन में से कोई आएगा बेटा जनवरी 21 में, ठीक है। तो आपको ज्यादा नहीं करना बेटा, आपको ये छोड़ के जाना है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैनेजरियल मत कर लो, एप्लीकेशन करके जाओ बेटा, और ये तीन करके जाओ, मतलब एनवायरमेंटल, फिजिकल, लॉजिकल और उसके साथ में एप्लीकेशन कंट्रोल, इतना कर लो बेटा, आपका कंट्रोल में बेड़ा पार है, आपका कंट्रोल में बेड़ा पार है, ठीक है आपका कंट्रोल में बेड़ा पार हो जाएगा बेटा। मैंने इतने सारे पेजेस का काम आपका आसान कर दिया, और क्या चाहिए बेटा, और इस दुनिया में और क्या चाहिए आपको, आपका काम आसान कर दिया हमने। एनवायरमेंटल, फिजिकल, लॉजिकल कर लो और साथ में कर लो बेटा एप्लीकेशन कंट्रोल, बस इतना कर लो, आपका बेड़ा पार है। चलो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग जरूर करनी है बेटा आपको, क्योंकि इसमें ना इसमें खास तौर से ये टूल करने बेटा अपने को, ये टूल करने, कौन से टाइप ऑफ ऑडिट टूल्स करेंगे बेटा जनवरी 2021 के लिए, टाइप ऑफ टूल करेंगे कौन से बेटा, स्नैपशॉट, ITF, SCRF, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन, ऑडिट हुक्स, ये करेंगे बेटा, ठीक है। ऑडिट ट्रेल छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिट ट्रेल छोड़ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऑडिट ट्रेल यू कैन छोड़ के जा सकते हो। चलो बेटा ऑडिट ट्रेल यू कैन छोड़ के जा सकते हो। अब आता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप, तो बेटा ये हमने एक चार्ट करवाया था आपको, ध्यान हो तो ये एक चार्ट करवाया था हमने, इसके बेसिस पे हमसे कुछ सवाल हो सकते हैं, तो बेटा इसके बेसिस पे सवाल हो सकते हैं, तो बेटा एक काम करें, इंडिविजुअल रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बेटा कर लें जनवरी 21 के लिए, ये कर लें लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर बेटा, ये कर लें और साथ में ये कर लें बेटा अपन, ये साथ में कर लें 3.76 से रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये कर लें अपन। चलो तो ये हुआ बेटा चैप्टर तीन का काम तमाम, ठीक है चैप्टर तीन हो गया। सेग्रीगेशन और ड्यूटीज बेटा अपने को आता है, SOD आता है बेटा अपने को, SOD के चार कंट्रोल एग्जाम्पल कर लेना। चलो ये कर लो, एक लास्ट कर लो, सेग्रीगेशन और कंट्रोल के एग्जाम, फिनिश बेटा, फिनिश, ठीक है। चलो चैप्टर चार तीन हो गया, चलो आ जाओ चैप्टर चार आ जाओ। अरे आओ चैप्टर चार करें, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करें, आओ जी आओ चैप्टर चार करें, ये रहा आपके सामने चैप्टर चार,
चैप्टर चार, चैप्टर चार, चैप्टर चार, अरे आओ रे चैप्टर चार करे, आओ 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 चैप्टर चार करे। सर क्या पूछा जाएगा इससे, आओ ना बेटा अभी बताते हैं आपको चैप्टर चार से क्या आने वाला है। ये रहा बेटा चैप्टर चार से आने वाला पहला सवाल, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स बेटा, जनवरी 21 कर ले बेटा, ठीक है, कोई एमसीक्यू भी हो सकता है, बड़ा सवाल भी हो सकता है, कर डाले बेटा, ये कर डाले डिफरेंस बिटवीन का सवाल, कर डाले बेटा, ठीक है, कर डाले बेटा, कर डाले, कर डाले, कर डाले, इस सवाल को कर डाले। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस कर डाले बेटा, तीन कैटेगरी में है, बिजनेस बेनिफिट टू कस्टमर, बिजनेस टू सेलर एंड बिजनेस टू बेटा गवर्नमेंट, ये कर डाले बेटा, तीन टाइप के बेनिफिट है जनवरी 21 के लिए, इसे भी कर डाले, कर डाले, कर डाले। चलो बेटा आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, ई कॉमर्स के मॉडल, ये तो बेटा अमेंड हुआ है तो ये तो करना ही है हमें, जनवरी 21 के लिए करना है बेटा, मॉडल करना है हमारे को, ई शॉप, ई मॉल, ई ऑक्शन, करीब करीब 9 मॉडल है बेटा, चिंता की जरूरत नहीं है, सारे के सारे लेक्चर्स पढ़े बेटा, अन अकेडमी के लर्नर ऐप पर पढ़े बेटा, आप कर सकते हैं ये सब, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा ई कॉमर्स के कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट छोड़ सकते हो इस बार, कॉम्पोनेंट छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पोनेंट छोड़ दो इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। आर्किटेक्चर करें बेटा, आर्किटेक्चर करें, टू टीयर थ्री टीयर आर्किटेक्चर बेटा, आर्किटेक्चर जरूर करें, टू टीयर थ्री टीयर, देखो कितना डिटेल में समझाया हुआ बेटा, एक एक चीज को बत्रा सर ने ना पढ़ाते हुए डिटेल में समझाया। वन टीयर मतलब सारा कुछ एक कंप्यूटर पे जाता है, टू टीयर में बेटा प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एक पे, डेटाबेस दूसरे को जाता है, थ्री टीयर में सब अलग अलग हो जाता है, इतना डिटेल में कराया बेटा, इतना डिटेल में कराया आपको, इतना डिटेल में कराया बेटा आपको। तो ये आर्किटेक्चर कर लो मेरा बच्चों, आर्किटेक्चर कर लो, आर्किटेक्चर कर लो जी, कर लो, इसमें फायदा है, ये बड़े काम की चीज है, इसमें नंबर का मौका है। ये खास तौर से सवाल करो बेटा, प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन, ये बेटा जनवरी में कर लो जी, कर लो, इसमें चार नंबर का मौका है, ये बड़े काम की चीज है, इसमें आपको फायदा है जी, कर लो अजी, कर लो, किसने रोका है, ये बड़े काम की चीज है। अच्छा ये जरूर करें बेटा, गाइडलाइंस और लॉ गवर्निंग कर ले, इस पे काफी टाइम से सवाल नहीं बना है, तो मैं कहूंगा बेटा जनवरी 21 में इस पे बनने की संभावना है, तो कर ले बेटा, है ना, 6 तो फैक्टर है गाइडलाइंस के और 12 बेटा आपके पास लॉज है, तो ये भी करना है अपने को, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बत्रा सर, आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। डिजिटल पेमेंट के तरीके तो करना ही है बेटा अपने को, न्यू एंड ओल्ड डिजिटल पेमेंट के तरीके करने बेटा, ठीक है, न्यू एंड ओल्ड दोनों तरीके कर लेने, न्यू एंड ओल्ड दोनों तरीके करने हैं, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्या करेंगे सर, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में वर्चुअलाइजेशन करेंगे बेटा, वर्चुअलाइजेशन करेंगे जनवरी 21 के लिए, वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट, उसकी एप्लीकेशन, उसकी कॉमन टाइप की वर्चुअलाइजेशन, ठीक है बेटा। चलो चलो आगे बढ़ो, ग्रिड नहीं करेंगे, ग्रिड आगे बेटा सवाल, नवंबर 20 में ग्रिड नहीं करेंगे, ग्रिड नहीं करेंगे, ग्रिड नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ो बेटा, क्लाउड में भी बेटा पब्लिक क्लाउड नहीं करेंगे, बाकी तीन क्लाउड करेंगे, क्लाउड में बेटा क्या करेंगे अपन, पब्लिक क्लाउड को छोड़ के बाकी सब करेंगे, क्लाउड इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई और क्लाउड आएगा इस बार, नवंबर 20 में पब्लिक आया था बेटा, पब्लिक आया था, तो अब बाकी बचते हैं प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी, ठीक है, तो प्राइवेट को छोड़ दो बेटा और हाइब्रिड और कम्युनिटी कर लो जनवरी 21 के लिए, जनवरी 21 के लिए बेटा दो क्लाउड कर लो, एक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी और एक हाइब्रिड, ये दो करके जाओ बेटा, हाइब्रिड और कम्युनिटी करके जाओ, एक सवाल जरूर पाओगे बेटा। और इसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है, आसपास सास है वरना आपका नाश है, वो करना है बेटा अपने को, कैरेक्टरिस्टिक वरिस्टिक सब करनी है बेटा अपने को, तो हाइब्रिड और कम्युनिटी कर लो, और साथ में मेरे बच्चा लोगों कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल जरूर करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आसपास सास है, आसपास सास है वरना आपका नाश है, ठीक है, ये बेटा मॉडल मैंने पढ़ाया था आपको और डिटेल में समझाया था, ये जरूर करना है, ये जरूर करना है जी, ये जरूर करना है आपको, इसमें से सवाल बनेगा, इसमें से सवाल बनेगा जी। चलो आगे बढ़ो जी बत्रा सर, आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। मोबाइल कंप्यूटिंग छोड़ सकते हैं बेटा अपन, मोबाइल कंप्यूटिंग छोड़ सकते हैं, आगे क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग छोड़ देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन कंप्यूटिंग करें बेटा, ग्रीन कंप्यूटिंग करें जनवरी 21 के लिए, ग्रीन कंप्यूटिंग करें जनवरी 21 के लिए, जनवरी 21 के लिए ग्रीन कंप्यूटिंग करें बेटा। अच्छा ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस भी करें जनवरी 21 के लिए, ब्रिंग योर ओन डिवाइस BYOD करना है बेटा, अपने को करना है, करना है इसमें खास तौर से बेटा, ये चार थ्रेट करके जानी है,
चार थ्रेड करके जाना, इसी पे सवाल आता दिख रहा है मुझे, इसी पे सवाल आता दिख रहा है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस पे दिख रहा है बेटा मेरे को, है ना, और इस पे सवाल दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, इट इज कमिंग, इट इज कमिंग। अच्छा आईओटी में बेटा ये करके जाना, आईओटी में ये करके जाना, जनवरी 21 में एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईओटी है, वियरेबल्स में है, स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट ग्रिड में, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग में, कनेक्टेड कार में है, कनेक्टेड हेल्थ में, ये करके जाना बेटा, स्मार्ट रिटेल में है, ठीक है, स्मार्ट कार्ड, ये करके जाना अपने को, तो ये अमेंड हुआ है तो ये करके जाना है अपने को। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, AI, मशीन लर्निंग कर लो, AI छोड़ दो, मशीन लर्निंग करना, दोनों एक जैसा ही है वैसे तो, दोनों एक जैसा ही है, पर AI के अगला स्टेप है मशीन लर्निंग, तो इसके आने की संभावना है बेटा, जनवरी 21 मशीन लर्निंग कर लो, AI ऑटोमेटिकली कवर हो गया, AI का अगला स्टेप है बेटा मशीन लर्निंग, इफ मशीन ऑटोमेटिकली लर्न्स बाय देमसेल्व्स इट इज नोन एज मशीन लर्निंग, तो ये AI का अगला स्वरूप है बेटा, ये करना है। चैप्टर चार खत्म होता है बेटा, खत्म हो गया चैप्टर चार, आ जाओ जी पांच करेंगे, चैप्टर नंबर पांच करेंगे, आ जाओ जी कोर बैंकिंग करेंगे ना जी, कोर बैंकिंग करेंगे सर हम, आओ जी कोर बैंकिंग करेंगे, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे बेटा, हम करेंगे ना कोर बैंकिंग करेंगे, आ जाओ। पहला नशा, पहला खुमार, पहला सवाल जरूर आएगा बेटा, द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नौ प्रकार की बेटा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, कर लो बेटा जनवरी 21 में, जनवरी 21 में कर लो बेटा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और ये बेटा आपको मालूम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेज, रेमिटेंस, कलेक्शन, क्लियरिंग, लिस्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड सर्विसेज, इनमें से कोई एक सवाल आप देख सकते हैं जी, ठीक है, करके जाए बेटा, तो ये नौ प्रकार की सर्विसेज करेंगे सारे बच्चे लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे बेटा ये वाला सवाल, ये अमेंडमेंट है इसलिए करेंगे हम, पेज नंबर 5.12 पे बेटा ये करेंगे, बैक ऑफिस डेटा वेयरहाउस डेफिनेशंस आ सकती है बेटा ये, है ना, क्या काम है ये, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सेंट्रल सर्वर, करेंगे बेटा करेंगे ये करके जाएंगे। चलो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, किसने रोका है। चलो ये 8 सर्वर करेंगे बेटा अपन जनवरी 21 के लिए, 8 सर्वर करेंगे हम लोग जनवरी 21 के लिए, 8 सर्वर करेंगे CBS IT एनवायरमेंट, 8 सर्वर करेंगे बेटा, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ऑटोमेटेड ATM सर्वर, IBS सर्वर, IBAS, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर। अरे इसका एक डायग्राम बना के समझाया था मैंने, याद आ रहा है क्या तुम्हारे को, उजी याद आ रहा है क्या तुम्हारे को, मैंने डायग्राम बना के समझाया था कौन कैसे काम करता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रहा मैंने डायग्राम बना के समझाया था बेटा कैसे काम कर रहा है, मैंने डायग्राम बना के समझाया था कैसे काम कर रहा है, पता चला बेटा, याद आ रहा है, तो ये करना है बेटा, ये करना है जी, करना है, हमें करना है, वी विल डू इट। 8 प्रकार के सर्वर करेंगे बेटा, 8 प्रकार के सर्वर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBS, ये करेंगे बेटा, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क आई थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया था, तो इम्प्लीमेंटेशन रिस्क को छोड़ के ये जनवरी 21 में करेंगे बेटा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBS करेंगे बेटा अपन, ठीक है। चलो आ जाओ जी आगे बढ़ो, फिर है CBS की रिस्क, ये आ गया बेटा, ये सवाल आ गया, ये नहीं करना, ये आ गया नवंबर 20 में, इसलिए इसको नहीं करना बेटा, ये आ गया, इसको नहीं करेंगे भाई, इसको नहीं करना है। अच्छा फिर क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, फिर हम करेंगे बेटा ये स्पेसिफिक कोर बिजनेस प्रोसेसेस एंड देयर रिस्क जनवरी 2021। आपको मालूम है बेटा इसमें कई प्रोसेसेस है, कासा है, क्रेडिट कार्ड है, लोन एडवांस है, ट्रेजरी है, मॉर्गेज है, पिछली बार मॉर्गेज आ गया बेटा, तो मॉर्गेज को छोड़ दो, नवंबर 20 में आ गया, तो बेटा अब आपको केवल चार करने हैं, कासा, क्रेडिट कार्ड, दोनों एक जैसे ही है बेटा, लोन और एडवांस और ट्रेजरी, इन चार में से कोई एक आएगा बेटा, तो जनवरी में मॉर्गेज को छोड़ के बाकी चार करने हैं, इनमें से एक सवाल आ रहा है, तो कासा की, क्रेडिट कार्ड की, लोन एडवांस की, ट्रेजरी की, रिस्क और कंट्रोल करना, इसका भी बेटा चार्ट बना के मैंने बच्चों को दे रखा है, ये भी ले लेना, टेलीग्राम चैनल पे पड़ा होगा, नहीं तो मैं फिर से डाल दूंगा,
ठीक है, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग के तीन स्टेप कर लो बेटा, जनवरी 2021 जनवरी 2021 कर लो बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग के तीन स्टेप, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड एंड इंटीग्रेशन। चलो बेटा चलो 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 चलो, अब आ जाओ बेटा। साइबर क्राइम किसको कहते हैं, जनवरी 21 में करेंगे बेटा, साइबर क्राइम जनवरी 21 में आ सकता है। ओके, फिर क्या आएगा बेटा, और क्या आ सकता है, और आ सकता है ऑफेंसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वेरी गुड बेटा, ऑफेंसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आ सकता है जनवरी 21 में, सेक्शन 3, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 63, सेक्शन 70। ठीक है, ये करके जाने बेटा अपने को। चलो, और उसके बाद लास्ट बचता है बेटा आईटी एक्ट, लास्ट बचता है आईटी एक्ट। तो की प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट बेटा, ये तो पूरा ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये इस पे सवाल पूरा बनेगा। सेक्शन 43 में पेनल्टीज हैं, और बाकी सेक्शन जो है बेटा 43A, 65, 66, 70 कर लेना बेटा। ठीक है, खत्म खत्म खत्म, ईआईएस का काम खत्म, ईआईएस का काम खत्म। चलो बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे चलते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे चलते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे चलते हैं। आओ बेटा आ जाओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी बता देते हैं आपको। एस एम, आ जाओ बेटा, एस एम में बता देते ना आपको, एस एम में भी बता देते बेटा, आ जाओ एस एम में भी बता देते हैं आपको, आ जाओ एस एम में बता देते हैं आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो मेरे बच्चों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बता रहा हूं बेटा मैं, एसएम के नोट करो, न्यू कोर्स, अभी ओल्ड कोर्स का कुछ नहीं बताया बेटा मैंने। अगर ओल्ड कोर्स का कोई बच्चा बैठा है तो इंतजार करें बेटा, इसके बाद उनका शुरू होने जा रहा है। पहले मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ओल्ड और न्यू दोनों के लिए, तो एसएम से बेटा ओल्ड वाले भी शुरू कर सकते हो, एसएम से ओल्ड वाले भी शुरू कर सकते हो। आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा, चलो बेटा शुरू करते शुरू करते शुरू करते। अच्छा, मैंने एसएम का तो पेपर बताया ही नहीं, मैंने एसएम का पेपर तो बताया ही नहीं। आओ पहले एसएम का पेपर देख लेते हैं, क्या आया था नवंबर का, एसएम का पेपर क्या आया था नवंबर का, फिर शुरू करेंगे बेटा। जैसे ईएएस का पेपर देखा, अब पहले एसएम का पेपर देखेंगे, फिर शुरू करेंगे बेटा, फिर शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। मैं बताता हूं आपको नवंबर 20 के पेपर में क्या आया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब एसएम स्टार्ट हो रहा है बेटा, ओल्ड कोर्स वाला भी कर लो, न्यू भी कर लो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा, तो ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों बच्चे नोट करें बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शुरू हो रहा है आपके लिए, दोनों के लिए शुरू हो रहा है बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों के लिए शुरू हो रहा है। ओके, ये है बेटा सेक्शन बी, 50 नंबर का पेपर, एबीसी भी लिमिटेड बेटा, ये फोकस डिफरेंशिएशन था। सर क्या था ये, सर क्या था ये, सर क्या था ये बेटा, ये था फोकस डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपका सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या था बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर था, अगला था डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये था फोकस डिफरेंशिएशन, ये था बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर था स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, फिर था स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, उसके बाद था आर एन डी, फिर था कंपनियां ग्लोबल क्यों होती हैं, उसके बाद था बेटा स्टेट द ह्यूमन रिसोर्स द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, एचआर की इन्फ्लुएंस बेटा, उसके बाद था स्ट्रैटेजिक विजन पे सवाल, उसके बाद सवाल था हमारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन पे, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग पे कैसे होता बेटा, उस पे सवाल था, उसके बाद था बेटा डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी, उसके बाद थी बेटा स्ट्रैटेजिक ऑडिट पे सवाल, स्ट्रैटेजिक ऑडिट पे सवाल, स्ट्रैटेजिक ऑडिट पे सवाल। फिर से देख ले बेटा क्या क्या सवाल पिछली बार आ गए, ये हम नहीं करेंगे बेटा, ये हम नहीं करेंगे बेटा। स्ट्रैटेजिक ऑडिट, ठीक है, उसके बाद डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट एंड मेडिकल के लिए बेटा स्ट्रैटेजिक विजन, एचआर स्ट्रैटेजी पे इन्फ्लुएंस, ग्लोबल स्ट्रैटेजी क्या होती है, आरएनडी की गाइडलाइन, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, और उसमें खास तौर से बेटा प्रमाइसिस कंट्रोल। ठीक है, प्रमाइसिस कंट्रोल बेटा, प्रमाइसिस कंट्रोल, उसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर, उसके बाद फोकस डिफरेंशिएशन। तो ये है बेटा आपका 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 एसएम का पेपर। चलिए बेटा चलिए चलिए चलिए, अब आपको एसएम बता देते हैं, नोट करना शुरू करो बेटा। चलिए चलिए चलिए, नोट करना शुरू करें, अजी शुरू करें, किसने रोका है, ये बड़े काम की चीज, इसमें 30 नंबर का मौका है। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नोट करते बेटा,
आ जाओ नोट करते हैं क्या सवाल आएगा इससे। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैनेजमेंट बेटा, करेंगे हम इसे जनवरी 21 के लिए। तो लिखो बेटा जनवरी 21, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करेंगे बेटा, मैनेजमेंट करेंगे। ओहो, तो इसको तो खुलने में लगेगा समय, ऐसा हो गया क्या। चलो देखते आ जाओ। अब बेटा नेक्स्ट करना है पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव वाला सवाल, फिर करेंगे बेटा अपन पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव वाला सवाल जनवरी 21, ठीक है। ये भी करेंगे बेटा पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव विद एग्जांपल। उसके बाद आता है बेटा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इस पे तो टाइम लगेगा। दूसरा खोल लेते हैं फाइल, नहीं खुल रहा है ये खुल रहा है। चलिए समय लग रहा है। चलो इसको खोल लेते हैं। आओ जी इसको खोल लेते हैं। चलो दूसरी फाइल खोल लेते हैं, उसमें बताते हैं बेटा। आ जाओ जी। फटाफट खोलो जी। ओहो ये तो आ गया। अरे बाप रे, तो नीचे बैठा है। चलो ऊपर, कान पकड़ के ले चलते हैं इसको ऊपर। आ गया। चलो बेटा। नोट करो वापस से बेटा। पहला सवाल जनवरी 21, ठीक है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैनेजमेंट, ये करें बेटा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल ये करें बेटा जनवरी 21 बेटा। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, कर ले बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या करें बेटा, इंपॉर्टेंस कर ले जनवरी 21 कर ले बेटा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऑन इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन बेटा, वो कर ले, ठीक है। अच्छा तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कर ले बेटा, ये भी काफी टाइम से नहीं आया है। जनवरी 21, ठीक है। बस ये चार सवाल है बेटा, इससे और नहीं करना। ये पिछली बार आ गया बेटा, ये नहीं करना है। ये नवंबर 20 में आ गया बेटा। मेडिकल और गवर्नमेंट वाला सवाल आ गया। चलो ये इंपॉर्टेंट बताया था मैंने पिछली बार। चैप्टर दो करते हैं। कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप करो बेटा, बड़ा सवाल है, तो इसके आने की संभावना इससे बहुत ज्यादा है। जनवरी 21 करो बेटा, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप के 5 स्टेप कर लो बेटा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कोई दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव एनालिसिस के 7 फैक्टर कर लो मेरा बच्चा, कर लो, आएगा बेटा, कर लो, ये आने की संभावना है। आ जाओ, 7 हो गए। फिर बेटा कोर कॉम्पिटेंस क्या होती है, जनवरी 21 कोर कॉम्पिटेंस करें बेटा। चलो सी के प्रहलाद गैरी एमएल अच्छा फिर उसके बाद क्या है बेटा, कोर कॉम्पिटेंस के बाद अगला क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट है मैनेज द लिंक, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जनवरी 21, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज करेंगे बेटा। अजी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज करेंगे ना, अजी करेंगे ना। उसके बाद हम करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस बेटा, जनवरी 21 के लिए करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस। 3 फैक्टर बेटा, SBU पहला, ठीक है। सेकंड बेटा एक्सपीरियंस कर्व, और तीसरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC, ठीक है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रैक्टिकल आता दिख रहा है बेटा मेरे को, जनवरी 2021। इससे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सवाल भी दिख रहा है मेरे को पेपर में, प्रैक्टिकल भी आ सकता है बेटा। मैं कोशिश करूंगा एक प्रैक्टिकल सवाल आपको आने वाले दिनों में करवा लूं, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल सवाल आपको बाद में बता दूंगा बेटा। आ जाओ, चलो बेटा। ये चारों करनी है बेटा अपने को, ये चारों करने हैं। मतलब क्या करना है सर, BCG करना है, आइगर एनसॉफ करना है, और उसके बाद में अपने को करना है बेटा आइगर एनसॉफ के बाद में थर्ड था हमारा कौन सा बेटा, ADL करना है, GE करना है, सब करना है बेटा। अच्छा फिर करना है टॉज मैट्रिक्स इज एन इंप्रूवमेंट ओवर सॉर्ट, ये करना है मेरा बच्चा, ठीक है। ग्लोबल पे पिछली बार सवाल आ गया नवंबर 20, ये नहीं करना है मेरा बच्चा। हो गया। चैप्टर तीन आ जाओ मेरे बच्चों, चैप्टर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। आ जाओ भाई, विजन पे सवाल आ गया हमारे, ठीक है। तो हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर लेंगे जनवरी 21 के लिए, चैप्टर 3 जनवरी 21 के लिए करेंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बेटा, ठीक है। चलो अच्छा, इंटेंट में विजन पे सवाल आ गया, पर इंटेंट पे सवाल नहीं आया ना,
इंटेंट पे सवाल नहीं आया, विजन पे सवाल आया, तो इंटेंट कर लो बेटा, इंटेंट कर लो, इंटेंट कर लो, इंटेंट कर लो। विजन पे आ गया, विजन छोड़ दो, विजन छोड़ दो बेटा, विजन छोड़ दो, मिशन कर लो, विजन छोड़ दो, मिशन कर लो, विजन छोड़ दो, मिशन कर लो ना, अजी कर लो ना, किसने रोका है, ये बड़े काम की चीज। विजन आ गया बेटा, विजन आ गया नवंबर 20 में, विजन आ गया नवंबर 20 में, नहीं करना ठीक है, मिशन कर लो जी, कर लो, अजी किसने रोका है, ये बड़े काम। अरे वाह, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल आ गया, जनवरी 21 में आएगा, जनवरी 21 में मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मैनेजमेंट मॉडल आएगा ठीक है, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन बेटा कर लो जी, कर लो, अजी किसने रोका है, ये बड़े काम की चीज है, इसमें मौका है। चलो बेटा, चौथा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी करेंगे, चौथा करेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, टाइपोलॉजी करो बेटा, टाइपोलॉजी करेंगे ना, टाइपोलॉजी करेंगे, जनवरी 21 के लिए करेंगे बेटा, टाइपोलॉजी करेंगे ना, करेंगे। अच्छा, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी कितने प्रकार की होती है, ये भी कर लो, ये भी कर लो बेटा, चार प्रकार के हैं, और ये खास तौर से टेबल में ये वाला हिस्सा तो बेटा पूछ सकते हैं आपसे। चलो अब आ जाओ बेटा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी तो हो गई है, एक्सपेंशन की करेंगे हम लोग, ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। जनवरी 2021 में पूरी की पूरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो है उस पर बेटा एक या दो सवाल आप पाएंगे बेटा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक करनी है अपने को, मेजर रीजंस करने हैं, और ये तो खास तौर से करना है बेटा, आइगर एनसॉफ्ट का टाइप ऑफ ग्रोथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनवरी 2021 के लिए बेटा ठीक है। एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ये जरूर करें बेटा, ये आएगा, इट इज कमिंग, इट इज कमिंग, इट इज कमिंग, है ना। आज अपन कुछ सवाल कर रहे थे तो भी बेटा ये मैट्रिक्स आ गई थी, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है बेटा। चलो 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 आगे चलेंगे फटाफट, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, आगे करेंगे बेटा। अच्छा, इसके आगे ना डाइवर्सिफिकेशन आते हैं चार, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट, उस पर भी सवाल बनने की पूरी संभावना बेटा जनवरी 21 में, वो भी हमें करना है, अजी करना है, करना है, कर लो जी, कर लो, अजी किसने रोका है, अरे बड़े काम की चीज है, इसमें भी मौका है, ये कर लो बेटा, डाइवर्सिफिकेशन कर लो जनवरी 21, दिस इज जनवरी 21 बेटा, ये कर ले सवाल, दिस इज कमिंग। चलो 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 आगे चलो भाई, चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो ना, अरे आगे चलो ना, आगे चलो, अरे ओल्ड सिलेबस के लिए भी करते जाओ भाई, ओल्ड सिलेबस भी कर लो, ओल्ड सिलेबस भी करते जाओ भाई, ओल्ड सिलेबस भी कर लो भाई, कर लो ओल्ड सिलेबस भी करते जाओ। चलो डाइवर्सिफिकेशन कर लिया बेटा, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, चलो डाइवर्सिफिकेशन के बाद में आता है एक्सपेंशन थ्रू एक्विजिशन एंड मर्जर, कर लो बेटा जनवरी 21, कोई प्रैक्टिकल सवाल ही केस स्टडी आ जाए बेटा इसके ऊपर, तो ये कर लेंगे बेटा। अच्छा, खास तौर से टाइप ऑफ मर्जर जरूर करेंगे, टाइप ऑफ मर्जर कर लेना चार प्रकार के बेटा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, को जेनरिक और कॉन्ग्लोमेरेट, चार प्रकार के बेटा कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, आगे बढ़ो। अच्छा, स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस बेटा, खास तौर से स्ट्रेटेजिक अलायंस करें, स्ट्रेटेजिक अलायंस पे पूरा सवाल बनने की संभावना बेटा, स्ट्रेटेजिक अलायंस पे नहीं बनाए सवाल तो स्ट्रेटेजिक अलायंस करेंगे हम लोग, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस करेंगे हम लोग, इस पे बनने की पूरी संभावना है बेटा, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेंगे अपन ठीक है। जनवरी 2021 ये रहा, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस बेटा जनवरी 2021 ठीक है, करेंगे बेटा ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज समेत ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, इस बार ना, इस बार डाइवेस्टमेंट आ गया तो टर्न अराउंड आने की संभावना है बेटा, टर्न अराउंड आ सकता है तो टर्न अराउंड कर ले बेटा, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन तो आ गया ठीक है। कंप्लीट चैप्टर नंबर चार कंप्लीट, आगे बढ़े बेटा, चैप्टर पांच आ जाए बेटा, चैप्टर नंबर पांच आ जाए। चलो आ जाओ बेटा, चैप्टर नंबर पांच पे बात करते हैं, माइकल पॉटर का फाइव फोर्स मॉडल आ सकता है विद प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, तो जनवरी 2021 में माइकल पॉटर मॉडल कर ले बेटा, आ सकता है, डायग्राम याद कर लेना उसका, डायग्राम में बना के अपने को एग्जांपल में एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इस बार फोकस डिफरेंशिएशन आ चुका है बेटा, तो माइकल पॉटर की दो जनवरी की स्ट्रेटेजी और बचती है, कॉस्ट लीडरशिप और बेटा डिफरेंशिएशन, वो करना है अपने को, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन करना है, कॉस्ट लीडरशिप
और डिफरेंशिएशन जनवरी 21 के लिए करना है, क्योंकि फोकस पे सवाल आ गया तो आपको कॉस्ट लीडरशिप भी करना है और बेटा डिफरेंशिएशन भी करना है। फोकस छोड़ लेते हैं अपन, फोकस छोड़ दो, फोकस को छोड़ दो। अच्छा, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनवरी 2021 बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर कर ले बेटा। फोकस को छोड़ के जाए आप, फोकस को छोड़ दे, फोकस को छोड़ दो बेटा, फोकस आ गया, फोकस को छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 फिनिश बेटा, चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 6 चले, चैप्टर नंबर 6 चले बेटा, चैप्टर नंबर 6 चले, चैप्टर नंबर 6 चले, चैप्टर नंबर 6 चले, आ जाओ बेटा, चैप्टर नंबर 6 चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चैप्टर नंबर 6 चले, आ जाओ बेटा, 6 चले, चैप्टर नंबर 6 चले, फटाफट चले, फटाफट चले, आ जाओ, चलो दिलदार चलो, चैप्टर के पार चलो, चलो बेटा, चलो चैप्टर के पार चले, चैप्टर नंबर 6 में चले, 6 7 8 तीन चैप्टर और बचते हैं बेटा, तीन चैप्टर और बचते हैं, तीन चैप्टर और बचते हैं, बच्चे न जाएं, ओल्ड सिलेबस का आईटी अब बताने जा रहा हूं बेटा, इसके बाद अगले 5 मिनट बाद में ओल्ड सिलेबस का आईटी भी बता रहा हूं बेटा मैं, तो ओल्ड सिलेबस वाले इसके बाद बने रहें, आपका बेटा ओल्ड सिलेबस का काम आने जा रहा है, ठीक है, आईटी का बस खुलने की देर है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, ओहो, खुलो भाई खुलो, फटाफट खुलो, खुल जा सिम सिम, फटाफट से 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 खुल जा सिम सिम, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर बता दिया हमने, आगे चलना है बेटा, आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, सब लोग चलेंगे, चैप्टर 6 पे चलेंगे, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बेटा, आ जाओ करवा देते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी आपको, आ जाओ बेटा, मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मार्केटिंग से आपका सवाल नहीं आया, मार्केटिंग से आएगा बेटा, जनवरी 2021 मार्केटिंग से सवाल आएगा बेटा, मार्केटिंग से सवाल आएगा, कर लो पूरी मार्केटिंग कर लेना बेटा, खास तौर से मैं ये 13 स्ट्रेटेजिक टेक्निक बता रहा हूँ मार्केटिंग की बेटा, इनको करके जाना, इनमें से कोई 2-3 सवाल आप देखने जा रहे हो बेटा, आप इनमें से 2-3 सवाल देखोगे, 13 तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बेटा, सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, डी मार्केटिंग है ना, इसके अलावा इनलाइटेड मार्केटिंग, ऐसी बेटा 13 प्रकार की मार्केटिंग है जिनको हमें करके जाना है, उसमें से कोई सवाल 1-2-3 आपको मिल सकते हैं। खुल जा सिम सिम, ए सिम सिम, ए खुल जा सिम सिम, सिम सिम खुल रहा है, चलो सिम सिम खुल रहा है, 6 यूनिट में हम लोग 7 और 8 दो यूनिट और करने हैं, उसके बाद ये खत्म, उसके बाद हम ओल्ड कोर्स का आईटी लेते हैं बेटा, अगले 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में लेने बेटा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गई आपकी बेटा, ये हो गई आपकी टेक्टिक्स, ये हो गई बेटा 13 टेक्निक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक, मैंने कहा था ना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी, जनवरी सले भाई आगे सले, मार्केटिंग की 13 टेक्निक है बेटा, मार्केटिंग की 13 टेक्निक है जनवरी 2021 के लिए, चल पड़ो भाई, चल पड़ो जनवरी 21 के लिए बेटा, जनवरी 21 के लिए 13 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, करके जाना है बेटा, आ सकता है सवाल, आ सकता है इस पे सवाल, ठीक है, आ सकता है इस पे सवाल, चलो 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मार्केटिंग के बाद बेटा अपन फाइनेंशियल में करके जाएंगे, खास तौर से वर्थ ऑफ द इवैल्यू, हाउ वर्थ ऑफ ए बिजनेस इज इवैल्यूएटेड, उसमें है बेटा 3 अप्रोचेस और 5 मेथड, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी टाइम से नहीं आया बेटा, वो आएगा, करके जाना है अपने को। उसके बाद इस बार आरएनडी पे सवाल आ गया है, तो बेटा एचआर करके जाना है हमारे को, लॉजिस्टिक करके जाना है, तो बेटा क्या क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे अपन है ना, वैसे 6 स्ट्रेटेजी पर 4 करके जा रहे हैं अपन, मार्केटिंग करेंगे अपन, फाइनेंशियल करेंगे अपन, फाइनेंशियल में भी वर्थ ऑफ ए बिजनेस करेंगे बेटा अपन, ठीक है, हाँ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में भी वर्थ ऑफ ए बिजनेस, इस पे बेटा सवाल बनने की संभावना है जनवरी 21 में, ठीक है। तो मार्केटिंग कर लिया अपन ने, फाइनेंशियल में हाउ वर्थ ऑफ ए बिजनेस निकल गया बेटा, प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है आपको, प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, लॉजिस्टिक जरूर करें बेटा, लॉजिस्टिक जरूर करें, लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी जरूर करें, और खास तौर से मैं कहूंगा ये इंप्लीमेंटेशन के जो 7 स्टेप है, ये इंप्लीमेंटेशन के जो 7 स्टेप है वो जरूर करने जाना है। उसके बाद बेटा अपन करेंगे एचआर,
ठीक है, आरएनडी करने की जरूरत नहीं, आरएनडी पे सवाल आ गया बेटा, आप ये जरूर करेंगे इंप्लीमेंटिंग एंड सक्सेसफुली रनिंग दिस, इसको करके जाए बेटा, जनवरी 21 में आने की संभावना है, पूरी जनवरी 21 में आने की संभावना है। 7 स्टेप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ये 7 स्टेप बेटा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट तक, ठीक है। उसके बाद आरएनडी करने की जरूरत नहीं है, आरएनडी छोड़ दो बेटा, आ गया पिछली बार सवाल आ गया इस पे। अब करेंगे अपन एचआर, एचआर पे भी वैसे तो एक सवाल आया हुआ है, पर एचआर पे फिर बनने की संभावना है बेटा, है ना। एचआर पे वैसे तो एक ह्यूमन रिसोर्स का फैक्टर आया था, तो छोड़ दे, चलो छोड़ दो बेटा, आरएनडी भी छोड़ दो, एचआर भी छोड़ दो, चलो आरएनडी भी छोड़ दो, एचआर भी छोड़ दो बेटा। आरएनडी पे सवाल आ गया बेटा नवंबर 20 आ गया बेटा, आरएनडी पे आ गया, छोड़ दो, और एचआर पे भी आ गया था सवाल, तो एचआर भी छोड़ दो, चलो दोनों छोड़ दिया। चैप्टर 7 बेटा, चैप्टर 7 आ जाओ, चैप्टर 7 आ जाओ बेटा, चैप्टर 7 है ना, इसमें बेटा डिविजनल पे सवाल आ गया। मैंने पिछली बार कहा था, कहां से कहा था बेटा, डिविजनल मल्टी डिविजनल एसबीयू मैट्रिक्स नेटवर्क आवर ग्लास में से आएगा, तो डिविजन पे आ गया बेटा, इस बार सवाल आएगा बेटा, अब डिविजन को छोड़ के क्या क्या आएगा, मल्टी डिविजनल एसबीयू मैट्रिक्स नेटवर्क आवर ग्लास, 5 और करने बेटा आपको, 5 कर डाला तो इसमें से एक सवाल मिलेगा, डिविजन को छोड़ दो, पिछली बार आ गया मल्टी डिविजनल एसबीयू मैट्रिक्स नेटवर्क आवर ग्लास, कर डालो बेटा, आपकी लाइफ झिंगा लाला है। उसके बाद बेटा आपको करना है ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल और स्ट्रेटेजी सपोर्टिव कल्चर, 3 चीजें करनी है बेटा आपको, इसमें से 3 चीजें करनी है। डिविजनल स्ट्रक्चर को छोड़ के मल्टी डिविजनल कर लो, एसबीयू कर लो, ठीक है, ये भी नहीं करना बेटा, ये भी आ गया सवाल नवंबर 20 में आ गया, एचआर पे भी इन्फ्लुएंस कौन सा करता है, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ 7th पे बेटा, हम क्या क्या करेंगे मैं आपको टॉपिक बता देता हूं बेटा, सीधा टॉपिक बता देता हूं बेटा, आ जाओ टॉपिक बता देते हैं बेटा आपको, सीधा टॉपिक बता देते हैं, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको सीधा टॉपिक बता देते हैं, कौन कौन से बेटा, मल्टी डिविजनल एसबीयू मैट्रिक्स नेटवर्क आवर ग्लास कर लो बेटा, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल कर लो, ठीक है, चलो इसके बाद कर लो ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल, और उसके बाद स्ट्रेटेजी सपोर्टिव कल्चर के 7 पॉइंट है बेटा, वो कर ले अपन, सवाल बनने की संभावना है पूरी, कर डालेंगे बेटा, आने वाला है सवाल, है ना, मल्टी डिविजनल एसबीयू मैट्रिक्स नेटवर्क आवर ग्लास, ये इसमें से एक स्ट्रक्चर जरूर आएगा बेटा, एक स्ट्रक्चर जरूर आने वाला है, सब करके जाने पड़ेंगे। मैंने वैसे कोर्स आपका 60% कर दिया है, इंपॉर्टेंट को पूरा देखोगे ना बेटा तो आप पाओगे पूरे कोर्स का 60% हो गया है, और इस 60% में से 90% आ जाएगा बेटा, 60 में से 90% आ जाएगा, और क्या चाहिए बेटा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू वांट, व्हाट एल्स यू वांट, व्हाट एल्स यू वांट, व्हाट एल्स यू वांट बेटा, व्हाट एल्स यू वांट, आजा भाई आजा आजा फटाफट बता दे बच्चों को, व्हाई आर यू मेकिंग सो फस टूडे, फटाफट आ जा, फटाफट आ जा, अपीयर हो जा, अपीयर हो जा, अपीयर हो जा, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, आ जाओ जी जल्दी आ जाओ, आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ जी, आ जाओ, अभी अपीयर होता है, आ जाएगा तुरंत, आ जाएगा अभी, जल्दी जल्दी आएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में क्या क्या करेंगे बेटा, टॉपिक में बता रहा हूं, अभी आते ही मार्क करवा दूंगा मैं। डिविजनल आ गया इसलिए हम करेंगे बेटा मल्टी डिविजनल, रिचर्ड ब्रांसन वाला आ गया, आ गया, आ गया, चलो बेटा इसको स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है, मैं यही बता देता हूं, नोट करो बेटा, मल्टी डिविजनल करना है जनवरी 21 में, ठीक है, ये करना है, ये भी करना है, ठीक है, मैट्रिक्स भी करना है बेटा, नेटवर्क भी करना है, आवर ग्लास भी करना है, ये सब जनवरी 21 के लिए बेटा। कौन कौन से, मल्टी डिविजनल एसबीयू मैट्रिक्स नेटवर्क आवर ग्लास, उसके बाद क्या करना है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजेक्शनल, ये भी आ सकते हैं बेटा जनवरी 21 में, ठीक है, ये भी आएंगे बेटा। अच्छा उसके बाद स्ट्रेटेजी सपोर्टिव कल्चर के 7 पॉइंट्स है बेटा, वो भी आएंगे, करके लेना बेटा जनवरी 21, ठीक है, चलो आगे बढ़ो बेटा। अब चैप्टर 8, अब चैप्टर 8 पे जाएंगे बेटा, अब चैप्टर 8 पे जाएंगे, विल गो टू द चैप्टर 8, सब बता दिया बेटा। अच्छा ना पता, मेरा मन करता है बेटा ये स्ट्रक्चर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको कर डालो बेटा, इसको कर डाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला, मैट्रिक्स कर डालो बेटा, रतन टाटा का एग्जाम्पल, और खास तौर से 3 डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये तो आता हुआ दिख रहा है बेटा, राइटिंग ऑन द वॉल है, राइटिंग ऑन द वॉल है बेटा, रतन टाटा का एग्जाम्पल नोट कर ले, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। चलो
चैप्टर नंबर एट, चैप्टर नंबर एट बेटा, चैप्टर नंबर एट में क्या आएगा, चैप्टर नंबर एट में क्या आएगा, पिछली बार स्ट्रेटजी ऑडिट आ गया बेटा, ये आ गया नवंबर 20 में, ये आ गया बेटा नवंबर 20 में, इसे नहीं करना है, इसे नहीं करना है। अच्छा कर्ट लेविन आया क्या, कर्ट लेविन नहीं आया, चलो बेटा तो क्या क्या करेंगे फिर हम इसमें, क्या क्या करेंगे तो हम इसमें क्या क्या करेंगे बेटा, ये कर लो बेटा जनवरी 21 में, जनवरी 21 में ये कर लो, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजिक चेंज कर लो बेटा, स्ट्रैटेजिक चेंज कर लो आप, ठीक है स्ट्रैटेजिक चेंज कर लो, और बीपीआर कर लो बेटा, बीपीआर कर लो, बीपीआर कर लो बेटा, बीपीआर कर लो, ये हो गया बेटा अपना चैप्टर नंबर एट, क्लियर है, क्लियर है बेटा। EISSM का पूरा कोर्स कंप्लीट, इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया आपको, EISSM के पूरे इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिए। चलो बच्चों अब नए कोर्स वालों का काम खत्म, आप बेटा विदा लें, ठीक है आप विदा लें, इसकी तैयारी करें, मैं और आता रहूंगा आपको चीजें लेके देख के लिए। अब बेटा ओल्ड कोर्स वाले बैठे रहे, अब ओल्ड कोर्स का नोट करवा रहा हूं बेटा मैं आईटी, अब ओल्ड कोर्स का आईटी नोट करवा रहा हूं मैं, ओल्ड कोर्स का आईटी नोट करवा रहा हूं, ओल्ड कोर्स का आईटी नोट करवा रहा हूं मैं, ओल्ड कोर्स का आईटी नोट करवा रहा हूं मैं। अब न्यू कोर्स वाले बच्चे विदा ले सकते हैं, उनका सब कुछ हो गया बेटा, EIS हो गया, SM हो गया, अब ओल्ड कोर्स के बच्चों की बात है, अब ओल्ड कोर्स के बच्चों की बात है, ओल्ड कोर्स के बच्चों की बात है, ओल्ड कोर्स के बच्चों की बात है, अब ओल्ड कोर्स के बच्चे बैठे रहे बेटा उनके लिए आने जा रहा है, ओल्ड कोर्स के बच्चे बैठे रहे उनके लिए आने जा रहा है, ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए आने जा रहा है, बैठे रहे। अब ओल्ड वालों आ जाओ सब बेटा, आईटी बता रहा हूं मैं आपको, आईटी बताने जा रहा हूं बेटा, आईटी आईटी आईटी, अरे आओ ना आईटी बताएंगे, अरे आओ ना आईटी बताएंगे, आओ ना आईटी बताएंगे, अरे आओ भाई आओ आईटी बताएंगे अब आपको, चलो आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको बताएंगे आईटी, आपको बताएंगे आईटी आईटी आईटी, आ जाओ बेटा चैप्टर नंबर वन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड आईटी, आ जाओ बेटा शुरू हो रहा है बेटा आपका कोर्स, ओल्ड वालों आ जाओ भाई, ओल्ड वालों आ जाओ, ओल्ड वालों आ जाओ, ओल्ड का काम शुरू बेटा, ओल्ड कोर्स आईटी जनवरी 2021, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, पहला बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कर ले बेटा जनवरी 21 के लिए, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट करें बेटा, बीपीएम के प्रिंसिपल करें बेटा, बीपीएम के प्रिंसिपल भी कर लो बेटा, बीपीएम के प्रिंसिपल भी करो ना मेरा बच्चा, बीपीएम के प्रिंसिपल भी करो, ठीक है चलो 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 आगे बढ़ो बेटा। अच्छा ये तीन प्रकार के प्रोसेस है बेटा, तीन प्रकार के प्रोसेस है जनवरी में कर लेना बेटा, ये आ सकते हैं सर, कौन कौन से हैं, एक अकाउंटिंग है ठीक है, दूसरा बेटा ऑर्डर टू कैश है, ओ टू सी है, और तीसरा प्रोक्योर टू पे है, तीनों कर लेना बेटा। अच्छा चार है, फाइनेंस साइकिल भी है, चार कर लेना, ये चारों कर लेना बेटा, इसमें से कोई एमसीक्यू का सवाल आ सकता है, बड़ा सवाल आ सकता है। अच्छा क्लासिफिकेशन पे सवाल हो सकता है बेटा, ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, कर लेना बेटा जनवरी जनवरी 2021 कर लेना मेरा बच्चा, कर लेना, नोट करो भी, नोट करो भी, नोट करो, ओल्ड कोर्स के बच्चों नोट करो, ओल्ड कोर्स के नोट को नोट करो भी, ओल्ड करो को नोट करो। अच्छा थ्योरीज ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट सिक्स सिग्मा TQM ये करके जाना बेटा जनवरी 21 में, जनवरी 21 में करके जाना बेटा, ये जनवरी 21 में करके जाओ। अरे अपन ने पेपर नहीं देखा इसका, पहले पेपर देखो भाई, पहले इसका पेपर देखो, आओ जी पेपर देखते हैं, पहले पहले ITSM का पेपर देखें, आओ जी आओ जी पेपर देखिए, आओ जी पेपर देखिए, आओ जी पेपर देखिए क्या सवाल आए थे, क्योंकि वो फिर हमको डीबार करने ना, इसमें से निकालने पड़ेंगे बेटा, आ जाओ इसमें से निकालने पड़ेंगे क्या क्या सवाल आए बेटा। देखो डिसीशन सपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट आए बेटा, कलर बदलना पड़ेगा मुझे लगता है, हरा कलर ले लेता हूँ। बेसिक कंपोनेंट ऑफ डिसीशन सपोर्ट सिस्टम चैप्टर चार आ गया, एडवांटेज ऑफ ER डायग्राम आ गया, ओके फिर बेटा एप्लीकेशन कंट्रोल में आउटपुट कंट्रोल आ गया, ओके जी फिर उसके बाद में फोर टाइप के सर्वर आ गए जी, फोर टाइप के सर्वर आ गए जी, उसके बाद में AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम चैप्टर चार से आ गया जी, अकाउंटिंग AIS आ गया जी, चलो जी आगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के तीन यूज आ गए जी, उसके बाद में बेटा की सिक्स प्रिंसिपल ऑफ BPM ये मैंने नोट करवा दिया, अभी हटा देते हैं, ये मैंने नोट करा दिया शायद आपको, या पता नहीं अभी आएगा, की प्रैक्टिसेस आ गई ना, मैंने नोट कराई बेटा, अभी हटाते हैं इसको,
ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा क्लाउड के आ गया बेटा, क्लाउड के क्लाउड टाइप आ गया, क्लाउड टाइप आ गया, क्लाउड टाइप डिफरेंट मॉडल आ गया। तो बेटा अपने को सर्विस मॉडल करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट में डिफरेंट क्लाउड टाइप, प्राइवेट पब्लिक, ये आ गया बेटा, ये आ गया, ये आ गया। वल्नरेबिलिटी इन द सॉफ्टवेयर आ गया, ओके ओके। अच्छा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस भी आ गए, ओके बाय बाय बाय। अच्छा ब्लूटूथ की कैरेक्टरिस्टिक आ गई, ओके। रैम और रोम के बीच का अंतर आ गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो बेटा देखे क्या क्या आ गया हमारे पास में, रैम और रोम आ गया बेटा, ठीक है। इसके नीचे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, वो बाद में देख लेंगे अपन। चलो पहले देखो रैम और रोम आ गया बेटा, ब्लूटूथ आ गया चैप्टर दो से, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस आ गए, वल्नरेबिलिटी आ गई, क्लाउड के चार प्रकार आ गए, मॉडल नहीं आया। तो सर्विस मॉडल जो आता है ना आस पास सा से ना से, वो करना है बेटा। की प्रैक्टिसेस आगे मैं हटवा देता हूं अभी। ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आ गया, उसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम चार से आ गया, चार टाइप के सर्वर आ गए, आउटपुट कंट्रोल आ गया, एडवांटेज ऑफ ईआर डायग्राम आ गया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ गया, वेरी गुड। तो पेपर अब हमें क्लियर है, आओ जी नोट करिए, आओ जी नोट करिए, आओ जी नोट करिए। तो बेटा एक चीज हटाएंगे हम लोग, की प्रिंसिपल प्रैक्टिसेज एंड प्रिंसिपल, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया वो हटाओ बेटा, प्रिंसिपल प्रैक्टिसेज हटाओ, ये नहीं आएगा। ये आ गया बेटा, ये नवंबर में आ गया, हटाओ इसको, इट हैज बीन इन नवंबर, लिखो इसको, ये नवंबर में आ गया मेरा बच्चा, इट हैज कम इन नवंबर। तो लिखेंगे बेटा नवंबर 20, नवंबर 20 आ गया, ये नहीं आएगा बेटा, ये नहीं आएगा, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बत्रा सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। अरे इलेक्शन लड़वाओगे क्या, अरे इलेक्शन लड़वाओगे क्या, ठीक है, चलो 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 चलो, आ जाओ रे, आ जाओ रे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो बेटा एक आपको बीपीएम प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल नहीं करना बेटा, बाकी ठीक है, बाकी सब मार्क करवाया ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, ये करना है बेटा, ये बीपीएम इंप्लीमेंटेशन करना है अपने को, ये आएगा, ये कर लो, टेबल वाली बात है, ये आएगी, ठीक है, ये कर लो, ओके 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 ओके। अब बेटा ये तो करना ही है अपने को, सिक्स सिग्मा करना है अपने को, टीक्यूएम करना है अपने को, ठीक है, टीक्यूएम करना है, वी विल डू द टीक्यूएम। अच्छा फिर क्या करना है, ये बीपीए के चैलेंजेस करने बेटा, चैलेंजेस इन बीपीए, ये करके जाना बेटा, चैलेंजेस इन बीपीए करेंगे अपन, ठीक है। बेनिफिट भी बीपीए कर लेना, बेनिफिट भी कर लेना भाई, बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ बीपीए कर लेना ना, बीपीए से जुड़ी बात है बेटा, बीपीए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का बजवर्ड है, आज का बजवर्ड है, इसलिए बेटा करते जाए, इसलिए करते जाए, इसलिए करते जाए बेटा, इसलिए करते जाए। अच्छा फिर प्रोसेसिंग साइकिल भी करो बेटा बीपीएम के, ये डायग्राम बनाना मैंने सिखाया था याद हो तो, और नहीं है तो बेटा मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरे दो वीडियो अवेलेबल है, मैं अभी बता भी दूंगा कहाँ पे अवेलेबल है, उन दो वीडियो को कर देना, मैंने पूरा रिवाइज कराया बेटा दो वीडियो में, ओल्ड कोर्स के बच्चों को चैप्टर वन और टू एक दिन 5 घंटे के मैराथन में, और दूसरे दिन 9 घंटे के मैराथन में, चैप्टर 4, 5, 6 3, 4, 5 लगातार बेटा मैंने करवाए हैं। तो इसको कर डालना बेटा, इसको कर डालना, इसको कर डालना, आपकी लाइफ हो जाएगी झींगा लाला, झींगा लाला लाइफ बनानी है तो बेटा कर डालो इसको, झींगा लाला लाइफ बनानी है तो कर डालो मेरा बच्चा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बत्रा सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। अरे क्या बात है, रुक कैसे गया, अरे रुको ना ना, रुक गया, अरे बाप रे रुक गया, अभी चलता है, अभी आगे चलता है, अभी आगे चलेगा। आजा भाई आजा भाई फटाफट आजा 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 आ आ आ आ जा आ आ आ जा आ आ आ जा आ आ आ आ आ आ जा आ आ आ जा आ आ आ जा आ आ आ अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा अभी आ जाएगा। आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ आगे चलो भाई, क्या बात है, अटक क्यों गए, अटक क्यों गए, चलो आ गया भाई, आ गया आ गया। अच्छा बिजनेस रिस्क को आईटी करेंगे बेटा जनवरी 2021 करेंगे भाई, करेंगे जरूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। बीपीआर के सक्सेस फैक्टर भी करेंगे जनवरी 2021 के लिए, करेंगे जी बिल्कुल करेंगे, किसने रोका है, ये बड़े काम की चीज, इसमें 6 नंबर का मौका है। आजो भी आजो भी आजो भी आजो भी आजो 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 फटाफट आजो बेटा। ओहो सौंदर्या बेटी आई है मेरी, हाउ आर यू बेटा, आई एम फाइन। बच्चों को बेटा नोट करवा रहे हैं जनवरी 2021 ओल्ड कोर्स के पेपर के बेटा नंबर, ठीक है ठीक है। चलो चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा,
चलो 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 आ गए बेटा फटाफट चलो। अरे भाई चल दे जल्दी चल दे, अटक रहा है आज है ना, फटाफट करते बेटा आ जाओ बेटा आ जाओ फटाफट कर लो। आ आ आ जा आ आ आ जा आ आ आ आ गया आ गया, मैंने ऐसे ऐसे किया तो आ गया है ना। आ आ आ जा आ गया आ गया आ गया, चलो आगे बढ़ते बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा फ्लो चार्ट इसमें भी बेटा मुझे डाउट है, पिछली बार बहुत हमने माथापुड़ी की थी नहीं आया था, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क तो नहीं करा रहा, पर 18 और 25 अक्टूबर के हमारे दो वीडियो देख के चले जाना, आ गया तो ठीक है आपकी किस्मत खुल जाएगी, वरना बेटा प्रैक्टिस ही सही, तो प्रैक्टिस कर लेना बेटा प्रैक्टिस कर लेना। ये बार बार क्यों रुकता है, ये बार बार क्यों रुकता है, बार बार बुलाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करना पड़ता है इसको, ऐसे ऐसे करना पड़ता है तब आता है ये। ओहो ऐसी बात हो गई, ये तो ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी आ जा भाई जल्दी आ जा, फटाफट करवा देते बच्चों को अब, जल्दी जल्दी कराएंगे ताकि बच्चों का काम हो जाएगा। आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ। अरे भाई चलो भाई रुक क्यों गए, सरकार सरक सरक के चलने वाली कार, सरकार अरे सरकार सरक सरक के चलने वाली कार, बेटा आ जाए तो बढ़िया है, बच्चे 6 नंबर कर लेंगे पूरा अगर फ्लो चार्ट आ गया तो। बेटा हमने तो कह ही दिया है 18 से 18 और 25 अक्टूबर के हमारे दो यूट्यूब वीडियो देख लेना बेटा, जिनको फ्लो चार्ट करना है करके जाए, मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा रहा क्योंकि पिछली बार करवाया था आया नहीं था बेटा, इसलिए मैं नहीं करवा रहा, आप करके जाए आ जाएगा तो बोनस हो जाएगा हमारे लिए, बोनस मैं कहूंगा बोनस आया हमारा है ना, हम क्या कहेंगे बेटा बोनस आया बोनस आया बोनस आया बोनस आया, अगर आ गया तो, इसलिए मैं मान ही नहीं था बेटा आएगा, अगर आ जाएगा तो बोनस हो जाएगा। चलो चलो चलो, अरे भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ, अटक रहिए हो ऐसी क्या बात है। आ आ जा आ आ जा आ आ आ जा आ आ आ, नहीं आया अभी भी नहीं आया अभी भी नहीं आया अभी भी नहीं आया अभी भी नहीं आया, एक बार बंद करके ऑन करें इसको, ऐसा करें क्या, एक बार इसको बंद करके ऑन करते हैं वापस से, एक बार इसको बंद करके ऑन करते हैं, ऐसा करें गिव मी 2 मिनट्स, नेट कनेक्शन चेंज करता हूं या तो मैं देखता हूं बेटा, इसको देखते हैं अभी। ओहो कनेक्शन चेंज, अभी कनेक्शन चेंज करने का समय आ गया है, कनेक्ट ऑटोमेटिकली हमने किया इसको कनेक्ट ऑटोमेटिकली, जियो नहीं चल रहा, मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूं बेटा, कनेक्शन चेंज कर रहा हूं मैं, मेरे पास पहले मेरा नेटवर्क था लोकल डिजिटल एंटरटेनमेंट नेटवर्क डैन, मुझे लगा शायद उसकी वजह से परेशानी है, तो मैं रिजिलियंस अपना रहा हूं बेटा, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों के बच्चों के कोर्स में बेटा आपके पास ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होने चाहिए, सो आई एम मेकिंग द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, विल इट वर्क लेट अस सी। अभी बेटा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपको, अभी जियो फाइबर मेरा स्टैब्लिश हो रहा है, लेट अस सी अभी तो नहीं हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है भाई, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। ओके मैं देखता हूं बेटा कनेक्शन हुआ क्या, लेट अस सी चलो जी चलो जी, बढ़ गया जुड़ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया, अब आएगा बेटा फटाफट आएगा, अब आएगा जी फटाफट आएगा ना, अब आएगा। तो बेटा वो नेट कनेक्शन की दिक्कत के कारण रुक रहा था,
ना आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर क्लियर हो गया की करिए की करिए, वो साडा कंसेप्ट क्लियर हो गया की करिए, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब अटक क्यों रहा भाई, अब काय को अटक रहा है, अब क्या दिक्कत है, चलो जी हो गया, बढ़िया हो गया, चलो आओ फटाफट नोट करें बेटा, अगले 5-7 मिनट में फिनिश करा देते, आ जाओ जी आ जाओ जी। देखो मैंने बताया था बेटा एडवांटेज ऑफ ईआर डायग्राम तो आ गया, नहीं करना बेटा अपने को, ये आ गया नवंबर में, दिस हैज कम इन नवंबर, तो ये नहीं करना जी, ये नहीं करना हमने, तो सर क्या करेंगे, अरे हवड़ करेंगे हवड़ करेंगे हवड़ करेंगे, आओ बेटा मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम, करेंगे बेटा एडवांटेज ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम, ये करेंगे बेटा जनवरी 21 में हम ये करेंगे, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों करेंगे, ओके। अच्छा फ्लो चार्ट का थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे बेटा, फ्लो चार्ट का प्रैक्टिकल तो बेटा मैंने कह दिया 18-25 से ले लेना, पर उसका एक थ्योरेटिकल पार्ट और एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह वो कर लेंगे बेटा अपन, वो करेंगे बेटा, वो करेंगे अपन, प्रैक्टिकल तो आप 18-25 अक्टूबर से कर लेना, ये करेंगे बेटा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, ये जनवरी 21 के लिए करेंगे बेटा, इसके आने की संभावना बनती है, चलो ये कर लो। अच्छा उसके बाद में डिसीशन ट्री, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आते हैं, कर लेना बेटा जनवरी में, ये छोटे छोटे सवाल है जो हो सकते हैं एडवांटेज। अच्छा डिसीशन टेबल भी कर लेना बेटा जनवरी 2021 में, बनानी आ सकती है प्रैक्टिकली। तो ये हुआ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 फिनिश, आ जाओ जी चैप्टर नंबर 2 देखो बेटा, आओ चैप्टर नंबर 2, आओ जी चैप्टर नंबर 2, आओ जी चैप्टर नंबर 2 करिए, आओ जी चैप्टर नंबर 2 करिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी फंडामेंटल। इसको तो मैं बेटा मंडे से, मंडे क्यों, कल से, कल मैं मॉर्निंग के सेशन में लेने जा रहा हूं, अगर जनवरी 21 के बच्चे हो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कल बेटा 2:15 से 3:15 नए चैनल पे जो मैंने बताया 26,100 वाला सब्सक्राइबर बेस, उस पे आके बेटा इन सवालों को आप कर लो, उसको आके इन सवालों को कर लो जी, है ना, आ जाओ जी इसको कर लो, आ जाओ चलो करते बेटा चैप्टर नंबर 2 करते बेटा। पहला क्या क्या सवाल आएगा, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, ये आ सकता है जनवरी 21 में, ठीक है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑथराइजेशन वैल्यूएशन एंड सो ऑन। आगे चले फिर अटक रहे, अरे अब तो वापस आ जा भाई, अब तो जल्दी जल्दी आ जा, अब क्या है, अब तो कनेक्शन भी चेंज कर दिया हमने, है ना, अब तो कनेक्शन भी चेंज कर दिया है ना, अब क्या दिक्कत है, आगे 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 जी आ गया, अरे आ जा भाई जल्दी आ जा, ठीक है जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेसर जेएस बत्रा पेज नंबर 34, आगे चलो ना भाई प्रोफेसर साहब आगे चलो, धीरे धीरे आ रहा है, एक साथ ही आ जाओ भाई सारे आ जाओ, चलो बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ADIRO, ADIRO करेंगे बेटा अपन जनवरी 21 में करेंगे ADIRO, ठीक है, एनालिसिस डिजाइन इंप्लीमेंटेशन रन एंड मॉनिटर, ठीक है, फिर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन BPA का IOA करेंगे बेटा, IOA इंटीग्रेशन ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना, सर्वर आ गया बेटा, सर्वर आ गया नवंबर 20 में, सर्वर हैज कम नहीं करेंगे बेटा, सर्वर आ गया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे बिल्कुल हम इसको नहीं करेंगे। पॉपुलर आर्किटेक्चर करेंगे बेटा जनवरी 2021 में करेंगे पॉपुलर आर्किटेक्चर, ISA माइक्रो आर्किटेक्चर सिस्टम डिजाइन बेटा, ठीक है, आपको ये सब कंसेप्ट अगर समझने हैं तो बेटा हमारे 2 वीडियो अवेलेबल हैं, आप करें 8 नवंबर 15 नवंबर, मैं नोट करा दूंगा डेट 8 नवंबर एंड 15 नवंबर के बत्रा सर के 2 वीडियो YouTube के चैनल पर पड़े हैं बेटा, नाम है अन अकेडमी CA इंटर ग्रुप 2, पढ़े बेटा 2 वीडियो कर डालो बेटा, इसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 है, इसमें चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 है बेटा, ठीक है, ये करीब 5 आवर्स का है और ये करीब बेटा 9 आवर्स का है, ठीक है, 2x की स्पीड में देख डालो, सारे कंसेप्ट कराया बत्रा सर ने, कर डालोगे जिंदगी बन जाएगी बेटा, ऐसा कभी नहीं समझा होगा, टेक माई वर्ड, ठीक है, कोई चार्ट नहीं बनाया बेटा, एक एक कंसेप्ट को प्यार से समझाया, 5 घंटे में 2 चैप्टर करवाए हैं, 9 घंटे में 3 चैप्टर कराए हैं, 8 और 15 नवंबर के वीडियो पड़े हैं, बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं, मैं अभी दिखा भी दूंगा बेटा, मैं अभी दिखा भी दूंगा, कर लेना बेटा, कर लेना आप इसको, जिंदगी बन जाएगी आपकी, जिंदगी बन जाएगी बेटा, ठीक है, अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है कोई, अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है कोई, खिलाड़ी कुमार बनिए,
और बेटा सही जगह से सही चीज करिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इमर्जिंग मॉडल करेंगे, क्या करेंगे सर? क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट तो आ गया हमारा, अब करना है अपने को ये दो चीजें बी और सी। जनवरी 2021 में ये दो काम करेंगे सर। कौन से दो काम? क्लाउड कंप्यूटिंग प्राइवेट पब्लिक तो आ गया बेटा, ये आ गया नवंबर में। दिस हैज कम इन नवंबर, ये नहीं आएगा। लेकिन आर्किटेक्चर का कंसिडरेशन और साथ में बेटा आसपास सास है वरना आपका नाश है, ये जरूर करना है बेटा। ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों बच्चों के लिए। सर क्या कह रहे हैं आप? बेटा मैं एक तो ये कह रहा हूं फ्रंट एंड और बैक एंड कर लो, और मैं कह रहा हूं सर्विस मॉडल कर लो बेटा जनवरी 21 के लिए। ठीक है, कौन कौन से बेटा? आसपास सास है वरना आपका नाश है। ठीक है, ये कर लेंगे बेटा। चलो 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 आ जाओ। अब क्या करेंगे? मोबाइल कंप्यूटिंग करेंगे बेटा जनवरी 21 के लिए, मोबाइल कंप्यूटिंग भी करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेंगे जनवरी 21 के लिए। ओके ओके, कौन से? छह टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट तो पूरा इंपॉर्टेंट है बेटा, चार प्रोमिनेंट मॉडल है ये तो, ओल्ड कोर्स में भी और न्यू कोर्स में दोनों में इंपॉर्टेंट है। चार प्रोमिनेंट मॉडल कौन से हैं? हायरार्चिकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। चलो आपकी जिंदगी आसान कर देता हूं, दो करके जाना बेटा, एक रिलेशनल कर लेना और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर लेना, ये दो कर लेना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी बेटा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक तो हम करेंगे भाई, एक तो हम करेंगे रिलेशनल वाला। ठीक है, चार में से दो ही करा रहा हूं बस, चारों नहीं करा रहा। एक रिलेशनल करो भाई और एक बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करो, दो कर लो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल का अगला फॉर्म है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा को रख सकते हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, है ना? तो ये कर लेंगे अपन, ये कर लेंगे जनवरी 21 में, बनेगी हमारी जिंदगी। चलिए आगे बढ़ते हो बेटा। एडवांटेज डिसएडवांटेज समेत सारा पूरा करना है ना, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना है इसमें। एवरीथिंग 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 करेंगे बेटा, एवरीथिंग करेंगे, एवरीथिंग करेंगे बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे करेंगे बेटा। ठीक है, आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ। अरे आ जा आ जा आ जा आ जा, फटाफट आ जा, फटाफट आ जा, जल्दी जल्दी आ जा, देर ना करी जल्दी आई। सवाल करने ने बच्चिया दसने ने जल्दी जल्दी आई, छेती छेती आई। अरे छेती छेती आई, जल्दी जल्दी आई। आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ। आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ। आ गए जी आ गए जी आ गए जी आ गए आ गए आ गए। अच्छा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर 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 करेंगे जी, हार्डवेयर करेंगे जी। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, खास तौर से बड़ा मेमोरी डिवाइसेस कर लेना। मेमोरी डिवाइस मैंने वहां भी इंपॉर्टेंट बताया है, न्यू कोर्स में आपको भी करना है बेटा। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम तो आ गई, रैम रोम तो आ गई। रैम रोम ना करे, रैम रोम ना करे बेटा, ये आ गया नवंबर 20 में, इसको छोड़ के बाकी कर ले बेटा। कैश मेमोरी कर ले, वर्चुअल मेमोरी कर ले, सेकेंडरी मेमोरी कर ले, ये कर ले बेटा। अच्छा ये कर ले, वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस ये जरूर कर लो बेटा। सीआरटी होता है नहीं, नवंबर नहीं जनवरी करना है अपने को। इट इज फॉर द जनवरी, इट इज फॉर द जनवरी, जनवरी 21, ये जनवरी 21 के लिए करें भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे आओ ना भाई, फटाफट आओ, फटाफट आओ जी, फटाफट आओ जी, फटाफट आओ जी, फटाफट आओ जी, बादशाह हूं, फटाफट खुलो जी। चलो आओ बेटा, इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ नेटवर्क करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ नेटवर्क करेंगे जनवरी 21 के लिए करेंगे। लिखो जी जनवरी 21, ये जनवरी 21 से आएगा जी, लिखो जी लिखो जी, आएगा आएगा। अच्छा ये आ गई साइकिल, आ गई बेटा साइकिल, साइकिल साइकिल आई, साइकिल आई, साइकिल आ गई ना, हाँ साइकिल आ गई, साइकिल आ गई, साइकिल आ गई। तो ये नहीं करना, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आ गई हमारी, सिस्टम डेवलप नहीं, सिस्टम नहीं आई, प्रोग्राम डेवलपमेंट आई है। तो ये करेंगे, वो चैप्टर 5 से था, ये चैप्टर नंबर बेटा 2 है, तो इसको करें, ये आएगी। ओके ये कर ले, ये कर ले बेटा, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। और खास तौर से बेटा ये कन्वर्जन मेथड तो कर ही लो, ये अलग से कुछ पूछ लिया जा सकता है जनवरी 21 में। ओके अब बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लूटूथ पे सवाल आ गया है, 13 टॉपिक है, एक पे सवाल आ गया, बाकी 12 करने हैं अपने को, बाकी 12 करने हैं, इसमें टोटल 13 टॉपिक है। ब्लूटूथ पे सवाल आ गया बेटा नवंबर 20 में,
बाकी 12 टॉपिक करने, एक सवाल जरूर आएगा बेटा, 2 से 3 नंबर का एक सवाल जरूर आ रहा है, ब्लूटूथ पे आ गया है, तो अब वाईफाई पे बेटा, वाईफाई पे सवाल आ सकता है, ठीक है। आईटी का रिवीजन कहां से देख सकते हैं बेटा, हमने बताया ना आपको आईटी का रिवीजन कहां से देख सकते हैं, बत्रा सर के 8 और 15 नवंबर 20 के 2 लेक्चर पड़े बेटा यूट्यूब पर, ठीक है, पूरा रिवीजन है उसके ऊपर। कौन सा चैनल है? अन अकेडमी, सीए इंटर ग्रुप 2, पढ़े बेटा दोनों लेक्चर, रिवीजन कर लो बेटा वहां से। निखिल जैन कर ले पूरा रिवीजन, ठीक है, पूरा रिवीजन कर लो बेटा, यूट्यूब पे पढ़ा है बत्रा सर का, कर लो 8 और 15 नवंबर 2020, कर ले जी, कर ले, ठीक है, लाइव बन जाएगी बिल्कुल। स्वप्निल केंद्र ने, स्वप्निल प्रभु कह रहे हैं लाइव बन जाएगी, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, चलो 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 आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बत्रा सर का कोड पूछ रहा है, अरे बेटा बत्रा सर का कोड बत्रा सर खुद है, बत्रा सर का कोड बत्रा सर खुद है बेटा, बत्रा सर का कोड क्या है सारी दुनिया जानती है बेटा, बत्रा सर इज बत्रा 10, बत्रा सर इज बत्रा 10, सर इक्वल टू 10, ठीक है, ये बत्रा सर का कोड है बेटा, दिस इज द कोड, बत्रा सर इज बत्रा 10, बत्रा 10 के नाम से जानते बेटा मेरे को, ठीक है, सो दिस इज माय कोड, ओके। चलो जी चलो जी चलो जी, आ जाओ जी, बल्ले बल्ले शावा शावा, ऋषभ शानभाग दी, बल्ले बल्ले शावा शावा, ऋषभ सब तो उच्चे बाकी सब थल्ले थल्ले, ऋषभ शानभाग, क्या बात है। अब इसको लिंक भी चाहिए, अरे थोड़ी मेहनत करना सीख रहे, यूट्यूब पे बैठे आते से ढूंढा नहीं जा रहा है, लिंक दे दीजिए, घर पे आके बेटा फिर तेरे को पढ़ा नहीं देवे हम लोग। निखिल जैन लिंक दे दीजिए, ढूंढा नहीं जाता तुम्हारे से, बता दिया चैनल का नाम नंबर सब कुछ बेटा, उसके बाद में थोड़ा ढूंढना सीखो, मेहनत करना सीखो, सब पक्की पकाई हुई चाहिए तुम्हारे को, है ना। अभी तो कोई ऐसा वीर पैदा हो जाएगा राणा प्रताप और झांसी की रानी जो कह देगी पीडीएफ दे दो साहब इसकी, कुछ मेहनत करना सीखो, इतना कुछ तुम्हारे को दे दिया बेटा, हर बार इसमें से सवाल आ रहे हैं, कुछ मेहनत भी करना सीखो। चलो 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 फटाफट करते आगे, आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ, चलो जी चलो जी चलो जी, आगे करेंगे आगे करेंगे आगे करेंगे। खुल जा सिमसिम, जल्दी जल्दी करेंगे, बच्चियां नू फ्री करेंगे, फटाफट करो भी, आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ। आधा आया है ना, माइग्रेन हो गया इसको, आधा सिर आया है इसका केवल, आधा गायब है। चलो ब्लूटूथ कर लिया बेटा आपने, है ना, ब्लूटूथ आ गया नवंबर में, तो देखो जी वाईफाई करेंगे, ठीक है, एक अच्छा ये कर लो बेटा जो मैं टिक लगा रहा हूं वो कर लो, वाईफाई कर लो, लैपटॉप नोटबुक नहीं करना, टैबलेट कर लो जी, टैबलेट कर लो जी, टैबलेट कर लो, टैबलेट कर लो, पीछे टच पैड कर लो, ओके, और आईपॉड कर लो जी, मैं मिनिमम कर रहा हूं तुम्हारे लिए, अल्ट्रा यूएमसी कर लो बेटा, अच्छा एंड्रॉइड वो आईओएस कर लो। चलो हो गया जी, हो गया हो गया हो गया, चलो बेटा आ गया जी आ गया, चैप्टर 3 आ गया, बड़ा वाला चैप्टर, मजेदार चैप्टर बेटा, आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आओ मैं करवाता हूं बेटा। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क नहीं करना जी, अच्छा ट्रेंड करो जी, ट्रेंड करो, ट्रेंड कराएंगे अपन, नेटवर्क को ट्रेंड कराएंगे बेटा, ट्रेंड्स इन टेलीकम्युनिकेशन करेंगे बेटा, ठीक है, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बिजनेस, ओके जी आगे चलो। नीड एंड स्कोप ऑफ नेटवर्क छोड़ो जी, छोड़ो जी, ये करेंगे 5 बेसिक कंपोनेंट करेंगे बेटा, 5 बेसिक कंपोनेंट करेंगे। सर क्या है वो? टर्मिनल्स, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर, मीडियम, कंप्यूटर्स और कंट्रोल सॉफ्टवेयर। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, करके जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा खास तौर से गाइडेड अनगाइडेड मीडिया करेंगे बेटा, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया करेंगे, ठीक है, केबल में चलती है वो गाइडेड होती है, वाईफाई पे चलती है वो अनगाइडेड कहलाती है। अच्छा टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क करेंगे, एरिया कवरेज के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से बेटा, ठीक है, ये पूरा करके जाएंगे। दिस कैन कम, दिस कैन कम, वो दिस कैन कम, ओके। फिर नेटवर्क कंप्यूटिंग करेंगे बेटा, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, जनवरी 21 में करेंगे भाई, करेंगे सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज करेंगे, क्या बात है, आओ जी आओ। अच्छा 4 प्रकार के स्ट्रक्चर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 प्रकार के नेटवर्क बेटा,
ठीक है, जनवरी 21 के लिए बस नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क और मैश नेटवर्क बेटा, ठीक है। आ जाओ बेटा, आ जाओ जी, ये करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। अच्छा फिर आ जाओ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, ये जरूर करेंगे बेटा, ये जरूर करेंगे बेटा, जनवरी 21 का एग्जाम करेंगे बेटा, ठीक है। सिंक्रोनस असिंक्रोनस करेंगे अपन, ठीक है, और मैसेज सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग भी करेंगे इसके साथ में। ओके जी, ओके। ओहो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जी, बच्चा बड़ा पूछ रहा था मेरे से, सर ये आएगा क्या? ये तो आ ही रहा है बेटा, ये जरूर करके जाओ बेटा, सब जने करके जाओ। ओएसआई और बेटा ओएसआई और टीसीपी आईपी में डिफरेंस, ये तो जरूर करके जाओ जी, ये तो जरूर करके जाओ जी, ये तो जरूर करके जाओ मेरा बच्चा। अच्छा इसमें वल्नरेबिलिटी पे सवाल आया नवंबर 20 में, ये नहीं करना जी, वल्नरेबिलिटी पे सवाल आ गया ये नहीं करेंगे जी, ठीक है। थ्रेट करके जाओ जी, इस बार थ्रेट करके जाओ, पिछली बार वल्नरेबिलिटी पे आया है तो इस बार थ्रेट पे सवाल पूछेगा जी, जनवरी कर लो जी। ओके जी, आ जाओ जी, आगे चलिए, आगे चलिए, आओ जी 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 आगे चलिए। अरे एक बढ़िया मजेदार सवाल है बेटा, ये आएगा नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक, है ना, ये काफी टाइम से नहीं आया, जनवरी 21 में कर लो बेटा। फायरवॉल, मैसेज ऑथेंटिकेशन, साइट ब्लॉकिंग और आईडीएस टेक्नोलॉजी, बड़ा अच्छा सवाल है, करके जाओ भाई, करके जाओ जी, करके जाओ। बड़ा डिटेल में समझाया मैंने, बहुत डिटेल में समझाया बेटा, ठीक है, इसको करके जाओगे तो आपका सवाल हो जाएगा जी, ठीक है, इसको करके जाओ जी, हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है। चलो जी, चलो जी, चलो जी, आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ जी, आओ जी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ जी, जल्दी आओ जी, जल्दी आओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, नेक्स्ट है एफ ए एफ सी पी ए एस, ये बेटा मॉडल करके जाना है अपने को जनवरी 21 के लिए, ये करके रहे हैं, ठीक है। चलो 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 आगे आ जाओ बेटा, 8 तारीख वाली में निखिल बेटा चैप्टर 1 और 2 है, 15 वाले में चैप्टर 3, 4, 5 है, दोनों को मिला के पूरा कोर्स है, निखिल जैन। चलो नेक्स्ट है बेटा इंटरनेट आर्किटेक्चर, कोई जरूरत नहीं करने की, छोड़ो छोड़ो, आ जा। नेक्स्ट 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 क्या बेटा, नेक्स्ट है ई कॉमर्स के बेनिफिट, करेंगे बेटा जनवरी 2021, ठीक है, करेंगे इसको, ठीक है, चलो ये पूरा करेंगे। टाइप ऑफ ई कॉमर्स ये कर लेंगे बेटा जनवरी 2021 के लिए, ये भी कर लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के मेथड आगे वो नहीं करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के मेथड करेंगे, ठीक है। चलो 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 आ जाओ, अब इसके बाद 2 चैप्टर और बचते हैं, 4th और 5th काम हो जाएगा बेटा, काम खत्म। चलो जी, चलो जी आगे चलिए, हुजूर आप इस तरह के इतरा के न चलिए, बार बार न अटकिए, बड़ा अटक रहा है, बड़ा अटक रहा है। हाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे लगता है इसको, ये मुझे लग रहा है काफी समय से काम कर रहा है इसलिए हैंग सा हो रहा है। अभी फिर 2-5 मिनट चले जाएंगे, अपन चाहते हैं इसी में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, चलो आ गया भाई, तो आगे चलते हैं बेटा, ये भी हो गया, फिर अटक गया।
चलो 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 बेटा आ जाओ। ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ये नवंबर 20 में आ गया बेटा, इसको छोड़ के जाइए, इसको छोड़ के जाइए, ये आ गया। चलो चैप्टर चार, चैप्टर चार बेटा डिसीशन सपोर्ट सिस्टम आ गया है, डिसीशन सपोर्ट सिस्टम आ गया है इसमें से, और AIS दो चीजें आ गई है, बाकी करेंगे बेटा। आ जाओ फटाफट नोट करा देता हूं मैं, फटाफट नोट करा देता हूं मैं आपको, जल्दी जल्दी नोट करा देता हूं। दो चीजें आ गई है बेटा इसमें से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया बेटा, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया है, और दूसरा आ गया बेटा हमारे पास में कौन सा आ गया, डिसीशन सपोर्ट सिस्टम, दो आ गया बेटा। तो इस बार अपन एक्सपर्ट सिस्टम कर लेंगे, कोर बैंकिंग कर लेंगे इसमें से, है ना, और भी आगे कर लेंगे बेटा, ठीक है, और भी कर लेंगे बेटा अपन, और भी कर लेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट सीरीज बेटा ओल्ड की न्यू वालों के साथ ही बता दी बेटा आपको, ओल्ड वालों की न्यू के साथ बता दी बेटा एसएम की आपको, ठीक है। अब आईटी की अलग है बेटा, क्योंकि कोर्स काफी आपका डिफरेंट है, बाकी दोनों में सेम है, आप वो कर ले बेटा, जो एसएम की न्यू को बताई है ऑलमोस्ट कोर्स सेम है, इसलिए आप वही कर ले, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम है ओल्ड और न्यू, केवल आईटी और ईएएस अलग है, इसलिए आपको अलग अलग बताया बेटा, ठीक है। चलो चैप्टर फोर बता देते हैं, आ जाओ चैप्टर फोर बता देते हैं आपको, आओ ना जी, आओ जी, आओ जी, आओ। क्या क्या करेंगे बेटा मैं बता रहा हूं आपको, आप ऐसा करिएगा, आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और AIS आ गया, तो आप एक तो करेंगे बेटा एक्सपर्ट सिस्टम, एक एक्सपर्ट सिस्टम करके जाएंगे अपन, एक TPS करके जाएंगे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एक बेटा कोर बैंकिंग करेंगे अपन, ठीक है। ये तीन टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर चार में, ये नोट कर लो बेटा, ये चैप्टर नंबर चार में नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। चलो नोट करो बेटा, आओ नोट कर लेते हैं अपन, ये कर ले बेटा टाइप ऑफ, ये कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी 21, ठीक है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कर लो बेटा, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कर ले, स्ट्रेटेजिक लेवल, मैनेजमेंट लेवल, नॉलेज लेवल, ऑपरेशनल लेवल कर ले बेटा। अच्छा फिर ये TPS भी कर लो, दिस इज TPS, इसको भी कर लो बेटा, TPS को भी कर लो, ओके, पूरा करना है, मतलब विद देयर क्वालिफायर्स एंड एट्रीब्यूट सब करना है, ये सब करना है बेटा। चलो उसके बाद में एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, ये कुछ एक टेबल है जो करनी है अपने को, ओके, टेबल कर लो। नेक्स्ट नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम भी कर ले बेटा, इट कैन बी आस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम KMS, ओके। अब आ जाओ बेटा एक्सपर्ट सिस्टम करेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम करेंगे, वी विल डू द एक्सपर्ट सिस्टम नाउ, वी विल डू द एक्सपर्ट सिस्टम नाउ, वो भी बताएंगे बेटा, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम करेंगे, किसी से ना डरेंगे, ये आ गया बेटा, DSS आ गया, इट हैज कम इन नवंबर 20, तो ये नहीं करेंगे बेटा, DSS नहीं करेंगे अपन, DSS नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम करेंगे बेटा, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम करेंगे जनवरी 21 में, नोट करो बेटा, जनवरी 21 में करो बेटा, जनवरी 21 में करो, ठीक है, जनवरी 21 में कर लो बेटा। अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM भी कर लो बेटा, CRM भी कर लो ना, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये तो मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, इसलिए इसको करना पड़ेगा, करें बेटा करें, इसको भी करें, ठीक है, SCM को भी करें, चलो, और HRMS को भी कर लें, HRMS को भी कर लें बेटा, HRMS भी कर लें, ठीक है। कोर बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोर बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइज सिस्टम काफी वेटेज है बेटा इसका, काफी वेटेज है इसका, काफी वेटेज है। अकाउंटिंग आ गया बेटा, ये आ गया नवंबर 20 में, ये नहीं करना अपने को, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, ये आ गया। अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनवरी में कर ले बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनवरी में कर ले, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपर्ट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी में करेंगे बेटा अपन, जनवरी 21 में करेंगे, किसी से ना डरेंगे, जनवरी 21 के लिए करेंगे बेटा, किसी को नहीं डरेंगे, ठीक है। चलो आज 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 बेटा और क्या करेंगे बेटा, अच्छा ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक फंड मेथड आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड EFT आ गया, ये नवंबर 20 में आ गया, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। चलो चैप्टर चार पूरा, चैप्टर चार फिनिश, लास्ट चैप्टर आ गया बेटा, लास्ट चैप्टर आ गए,
लास्ट चैप्टर आ गए, लास्ट चैप्टर आ गए बेटा, पांचवा चैप्टर आ गए, पांचवा चैप्टर आ गए, फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर बेटा, फिफ्थ चैप्टर आईटी के इंपॉर्टेंट फिफ्थ चैप्टर बेटा। निखिल जैन आईटी के ही बता रहे बेटा, निखिल जैन आईटी के ही बता रहे बेटा। ये जब लेक्चर शुरू हुआ था तो पहले ईआईएस था न्यू कोर्स, फिर एसएम ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स कराया, अब हम आईटी के करा रहे बेटा, चैप्टर नंबर पांच। ठीक है, आ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा। ठीक है, लास्ट चैप्टर बता रहा हूं बेटा, पांचवा चैप्टर, लास्ट चैप्टर पांचवा चैप्टर बेटा। आ जाओ, लास्ट चैप्टर बता रहा हूं मैं, पांचवा चैप्टर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन थ्रू, हाँ ये बता रहे हैं बेटा, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। पहला सवाल बेटा, इस पे एमसीक्यू भी बन सकते हैं क्लासिफिकेशन पे, ये करके जाना बेटा, जनवरी 21 में ये करना है अपने को, क्लासिफिकेशन और बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, ये करके जाना है। ठीक है, चलो बेटा ये करके जाना है अपने को, क्लियर है, चलो। ठीक है, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट सेम, इसलिए आप वही करके जाए बेटा, ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर ऑलमोस्ट सेम, इसलिए वो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहला क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा, पहला क्लासिफिकेशन कर लेंगे। चलो चलो चलो, आ जाओ बेटा फटाफट आ जाओ, चलो आ जाओ, ये करेंगे बेटा अपन जनवरी 21 के लिए। ठीक है, करेंगे बेटा, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अच्छा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी डू बीपी है बेटा, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्यों करते हैं, पूरा आएगा बेटा, दिस मे कम, हाउ टू गो अबाउट बीपीए, 8 स्टेप होते बेटा, वो करना है, एप्लीकेशन करनी है, बीपीए का सब करना है बेटा अपने को, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सब करना है बेटा, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सब करना है अपने को। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सब कुछ करना है बेटा अपने को, क्लियर है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सब कुछ करना है अपने को, क्लियर है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सब कुछ करना है। ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सब कुछ करना है। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर पांच के इंपॉर्टेंट आईटी के बता रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओल्ड और न्यू सेम है। ठीक है, हाँ चलो 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 बेटा, बस अब आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, चलो 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 आ जाओ, कंट्रोल्स इन बीपीए करेंगे बेटा, कंट्रोल्स इन बीपीए करेंगे जनवरी 2021 के लिए। ठीक है, हाँ, और नेक्स्ट बेटा करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैनेजरल एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो जरूर करके जाना, पिछली बार आउटपुट कंट्रोल आया था तो आउटपुट कंट्रोल को छोड़ के बाकी सब कर लेंगे, मैनेजमेंट कंट्रोल के बेटा सभी 6-7 प्रकार करने अपने को, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल में दोनों करेंगे बेटा, मैनेजरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल, दो है बेटा, एक है एप्लीकेशन कंट्रोल, उसमें अपन आउटपुट कंट्रोल को छोड़ देंगे जो पिछली बार आ गया, और बेटा मैनेजमेंट कंट्रोल तो पूरा करेंगे क्योंकि वो कुछ नहीं आया है, मैनेजमेंट कंट्रोल तो पूरा करेंगे क्योंकि वो नहीं आया है, तो बेटा पूरा कर लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन, जो हमें करना है बेटा, ग्रिड हमें करना है बेटा, और क्लाउड हम पहले बता चुके हैं आपको करना है, बस अब इतने टॉपिक है, मार्क करवा देता हूं, काम खत्म हो रहा है बेटा, काम खत्म हो रहा है अगले 5-1 मिनट में, 5 मिनट्स मोर बेटा, काम खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, अगले 5 मिनट में
खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे शायद, 3-4 मिनट में खत्म करेंगे। एक बार ये आ जाए तो स्क्रॉल करके नोट करा देता हूं मैं आपको। तो आपको एप्लीकेशन कंट्रोल पूरा करना है आउटपुट कंट्रोल को छोड़ के, मतलब बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल कर लो, आउटपुट कंट्रोल नहीं करना, वो आ गया बेटा, ठीक है। और आपको क्या करना है बेटा, क्लाउड के 4 टाइप आ गए, तो क्लाउड का वो छोड़ के आपको सर्विस मॉडल कर लेना है, बैक एंड, फॉरवर्ड, फोरग्राउंड जो था उसका बैक एंड और फ्रंट एंड, वो आपको कर लेना है आर्किटेक्चर में, वर्चुअलाइजेशन कर लेना है, ग्रिड कर लेना बेटा, बस अब ये बचे हुए केवल मार्क कराना बाकी है बेटा, मार्क करवाना बाकी है, मार्क करवाना बाकी है। एसएम कब कराया बेटा, ये अभी करवाया है, अभी करवाया बेटा, अभी करवाया है निखिल जैन, अभी करवाया है ये बेटा। इंपॉर्टेंट वाली सीरीज 7 बजे से चल रही है, 7 बजे पहले हमने EIS के मार्क करवाए, उसके बाद में बेटा करीब करीब 7:45 हमने बेटा मार्क करवाने शुरू कर देते एसएम के, ओल्ड कोर्स है न्यू कोर्स बहुत, अब हम आईटी के करा रहे हैं और ये खत्म कर रहे हैं बेटा, अब हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। छाया अग्रवाल कह रही है, हाँ इसी वीडियो में बेटा, इसी वीडियो में, इसी वीडियो में छाया अग्रवाल कह रही है बीकॉम के भी क्लासेस ले लो, ओहो इसी वीडियो में, चलो बेटा आ जाओ, चलो। तो ये बेटा पूरा करना है अपने को इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, ठीक है, ये मैनेजमेंट कंट्रोल है पूरा करेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल पूरा करेंगे, ठीक है, पूरा कर लेंगे बेटा, पूरा कर लेंगे, पूरा करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया बेटा मैनेजमेंट कंट्रोल, 7 प्रकार के, 7 प्रकार के बेटा जनवरी 2021 के लिए करेंगे अपन, जनवरी 2021 के लिए पूरा कर लेंगे, ठीक है, 7 प्रकार के ये पूरा कर लेंगे। इसमें से ये छोड़ देना, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की 7 स्थितियां वो छोड़ देना, ये आ गया, ये आ गया बेटा, ये आ गया, ये कर लिया, ये नवंबर में आ गया, इसको आप छोड़ दो, ये नवंबर 20 में आ गया बेटा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की आ गई, ये छोड़ सकते हैं, बाकी करेंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल का चार्ट है बेटा, इसमें ये आउटपुट कंट्रोल नवंबर में आ गया बेटा, इसको छोड़ के बाकी सब करेंगे, बाउंड्री कर लो, इनपुट कर लो, कम्युनिकेशन कर लो, ठीक है, प्रोसेस कर लो, ठीक है, और डेटाबेस कर लो, आउटपुट को छोड़ के बाकी 5 कर लो बेटा, जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, वर्चुअलाइजेशन करो बेटा, वर्चुअलाइजेशन करो, जनवरी में आएगा बेटा, वर्चुअलाइजेशन पे काफी टाइम से सवाल नहीं आए, तो बेटा मैंने आपको बता रखा है प्रैक्टिकल तरीके से इसको, तो आपको करना है बेटा, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ। और ग्रिड कंप्यूटिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये करना है क्योंकि न्यू कोर्स में आया, ओल्ड में नहीं आया, तो आपको करना है बेटा, ये आपको करना है, ठीक है, ग्रिड पूरा करना है, ग्रिड पूरा करना है, इसके ग्रिड की सिक्योरिटी, ग्रिड के रिस्ट्रिक्शन सब करना है। अच्छा क्लाउड में क्या करना है बेटा, क्लाउड में भी आपको सर्विस मॉडल करना है बेटा, क्लाउड में ये सर्विस मॉडल करना है, क्लाउड के सर्विस मॉडल करना है, ये जनवरी में पूछा जा सकता है, मैंने चैप्टर वैसे 2 में मार्क करवा रखा है आपको, ठीक है। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लेना, करेक्टरिस्टिक कर लेना, तो क्लाउड को कर लो बेटा, क्लाउड को कर लो, क्लाउड को कर लो बेटा, क्लाउड को कर लो, लेकिन इसमें क्या नहीं करोगे, इसमें क्या नहीं करोगे बेटा, प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी, हाइब्रिड, ये 4 नहीं करोगे बेटा, इस पे सवाल आ गया, इस पे नवंबर 20 में सवाल आ गया, तो इसको छोड़ के कैरेक्टरिस्टिक को क्लाउड कर लो, एडवांटेज कर लो, डिसएडवांटेज कर लो, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के सर्विस मॉडल है, आस पास सास है वरना आपका नास है, इसका क्या काज है, ये कर लेना बेटा, ठीक है। तो ये करना है आपको, चलो ये करना है आपको, ये करना, एडवांटेजेस करेंगे, डिसएडवांटेज करेंगे, खत्म बेटा, खत्म होता है चैप्टर, खत्म बेटा, ठीक है। तो आपको डिटेल में हमने बता दिया बेटा, इसी में हमने EIS के इंपॉर्टेंट बता दिया हमने सबसे पहले, इसी में क्लोजिंग रिमार्क बता रहा हूं बेटा, मैंने सबसे पहले EIS के बताया, करीब करीब 7:45 के आसपास, 7 बजे शुरू किया था, 7:45 के आसपास बेटा आप देख लेना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स के इंपॉर्टेंट आ गए, और वो जब खत्म हुआ तो बेटा हमने IT के आपको बताने शुरू किए, तो करीब करीब आप मान के चलो बेटा 8:30 से 9 बजे तक के बीच में आपको न्यू कोर्स का हमने बता दिया बेटा, ओल्ड कोर्स का IT का बता दिया। तो बेटा अब आज इतना ही रखते हैं, बहुत समय हो गया, करीब करीब 2 घंटे से बेटा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, तो अब आपको बेटा समाप्ति के लिए, ठीक है, हम लोग कह रहे हैं आप नोट कर लें, इसको बार बार देखिएगा, नोट करिएगा, समझिएगा, और बेटा मैंने बता दिया आपको, 2 मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, 2 मैं बता देता हूं बेटा, क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, ठीक है,
क्लियर है, बता दिया बेटा आपको, क्लियर है आपको, बता दिया हमने, ठीक है। चलो आप सीए इंटरमीडिएट हमारे ग्रुप टू के ओल्ड चैनल पे जाएं और ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी बेटा। 18 और 25 अक्टूबर में तो आपको फ्लो चार्ट मिलेगा, 18 और 25 अक्टूबर को तो बेटा आपको मिलेगा फ्लो चार्ट, और 8 और 15 नवंबर को आप मिलेंगे बेटा आईटी के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कंप्लीट इंपॉर्टेंट हो गए आपके, कंप्लीट इंपॉर्टेंट हो गए आपके, ठीक है, क्लियर है। इस चैनल के, इस वीडियो के शुरू में बेटा मैंने ओल्ड चैनल न्यू चैनल सब बताया, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको, ठीक है। अब ये जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखनी है बेटा, ये जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखनी है, इसको आपको सब बच्चों तक फैलाना है, ये जानकारी आपको अपने तक सीमित नहीं रखनी है। क्या करेंगे बेटा, इसको सब तक फैलाएंगे, हर व्यक्ति तक ले जाएंगे, ठीक है, हर व्यक्ति तक ले जाएंगे आप तो, ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है बेटा। चलो बेटा, हर व्यक्ति तक ले जाएंगे ये जानकारी, ठीक है, क्लियर है। चलो बेटा, चलिए। छाया अग्रवाल बेटा, मैं बीकॉम नहीं पढ़ाया करता, मैं केवल सीए स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूं बेटा, पिछले 31 ईयर से और 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट से, ठीक है। तो ये रही बेटा बत्रा सर के बारे में बात, ठीक है। तो ये रही बेटा बत्रा सर के बारे में बात, जो जानना चाहते हैं ये रही बत्रा सर के बारे में बात, ठीक है, क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है बत्रा सर के बारे में बात, ओके, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात बेटा। अच्छा, ये है हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल जो मैंने बता दिया था बेटा आपको, ठीक है, जिसे आपको अगर अन अकेडमी पे लेना है तो बेटा आप 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 9 month बेटा वर्क ले सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच आपको बताने थे। अच्छा, कुछ लोग चैनल जान रहे थे, वो मैंने बेटा बता दिया इस वीडियो के लिंक में, तो आप शुरू से उसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बेटा चलते हैं, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ठीक है, जय हिंद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर, एंड शेयर दिस गुड वर्क टू अदर्स ऑल्सो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। थैंक यू।